हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। गाइज, आज के इस टॉपिक में बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल टॉपिक पढ़ने वाला है। प्लीज़ सी द वीडियो टिल द एंड। बिफोर वी स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट टुडेज टॉपिक, लेट मी टेल यू ऑल, देर इज़ अ बिग 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 अनाउंसमेंट विच इज़ ऑन द फ्लोर। येस माई डियर फ्रेंड्स, जिसकी बेसब्री से हम इंतज़ार कर रहे थे, वीडियो जो है वो आपको मिलने वाला है, प्रीमियम रिकॉर्डेड कंटेंट। क्या बात कर रहे हो? येस। सो गाइज, जो मॉडल अनअकेडमी पे हम यूज़ कर रहे थे, दैट वॉज अ प्लस मॉडल, जहाँ पे आपको कई सारे बेनिफिट्स थे। रिकॉर्डेड सेशंस, लाइव सेशंस, डाउट सॉल्विंग, पीडीएफ ऑफ द नोट्स, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस पे आप लोगों को बुक का हार्ड कॉपी भी रिलीज हो रहा था। सो नाउ गाइज, जस्ट स्टेपिंग अ स्टेप अहेड, आपको मिलने वाला है सब्जेक्ट वाइज सब्सक्रिप्शन एंड सेकेंडली प्रीमियम रिकॉर्डेड स्टूडियो कॉन्टेंट। तो जहाँ पे हम आपको बोल रहे थे कि आपको एनिमेटेड कंटेंट मिलने वाले हैं, मेमोरी टेक्निक्स, विजुअल टेक्निक्स के साथ आपको कंटेंट समझाया जाएगा। सो यस माय डियर फ्रेंड्स, अनअकैडमी स्टूडियोज़ में आपको मिलने वाला है एट सी ए फाइनल लेवल ईच एंड एवरी सब्जेक्ट का प्रीमियम रिकॉर्डेड कंटेंट। एंड वो भी प्राइजेस अगर आप देखोगे तो इट इज़ वेरी मिनिमल। वी बेट दैट नो वेयर यू आर गोइंग टू गेट द प्राइजेस एट विच अनअकैडमी इज गोइंग टू ऑफर। And on top of that, you can use the code AuditSAR to take maximum possible discount. So specifically talking about Audit Fast Track and Audit Regular Batches, Fast Track is already launched. Regular batch for May 23 and November 23 is upcoming. So guys, don't wait, don't miss this opportunity. Start studying hard. So चले इसी बात पे हम आज का content शुरू कर देते हैं. Let's get started. हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज हमें एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है एंड दैट इज नन अदर देन ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नाउ इस कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट को पढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं कि ये सब्जेक्ट को, मतलब ये चैप्टर को पढ़ना क्यों ज़्यादा ज़रूरी है। समझो गाइज, इफ इट ऑल दिस इज अ कंपनी, दिस इज होल्डिंग मोर देन 50% ऑफ शेयर्स इन दिस कंपनी, तो डोंट यू फील this company will be a baby company, a child company to this parent company. इस child company के financial statements में इस parent company ने investment करके रखा है, इतना समझ में आया? ठीक है, आप जो हो, you are the shareholders of this parent company, आपने पैसा invest किया है इस parent company में, so ultimately can I say आपका पैसा directly child company में ना जा करके parent company के वाया rotate होकर के child limited में आया है? यस, इतना पक्का है? अब समझो गाइज, व्हेन वी टॉक अबाउट योर इन्वेस्टमेंट, हमारे शेयर होल्डर्स को ये भी जानना होगा, आपको खुद को ये जानना होगा कि जो सब्सिडरी कंपनी में, जो चाइल्ड लिमिटेड में, जो बच्चा कंपनी है, उस कंपनी में जो असेट्स है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो पोजिशन है, जो प्रॉफिटेबिलिटी है, वो कैसी चल रही है। सो यूजली वॉट वी ट्राई डूइंग इस पेरेंट कंपनी को कहते हैं कि जनाब सुनिए, आप दो स्टेटमेंट्स बनाइए, अकेला आपके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को शो करे, उसको हम लोग कहते हैं स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या कहते हैं? स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और एक ऐसा जहां पे इस पेरेंट कंपनी के साथ मिला करके सारे सब्सिडरीज, सारे एसोसिएट्स, सारे कंपोनेंट्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जोड़ करके बनाने वाला, उस स्टेटमेंट्स को हम कहते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एवरीवन clearly understanding this, so that is consolidated financial statements. So banane ke piche ka, consolidated financial statements banane ke piche ka karan ye hai that the financial statement user will have a clear picture that if they are investing in this parent company, they have invested in which subsidiaries, us subsidiary ka position, financial stability kaisa hai, उस सब्सिडरी के डूबने के चांसेस तो नहीं है, परमानेंट डिमिन्यूशन तो नहीं होने वाला है, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है, ग्रोथ, क्योंकि सब्सिडरी जब भी बढ़ेगा अल्टीमेटली उसका बेनिफिट पेरेंट कंपनी को भी मिलेगा। सब्सिडरी अगर डिमिन्यूशन पे है तो उसका इफेक्ट पेरेंट कंपनी के भी फाइनेंशियल पोजिशन पे आएगा। सो ये सब जानने के लिए एवरी कंपनी विच इज अ होल्डिंग कंपनी, विच इज अ होल्डिंग कंपनी, प्रिपेयर्स कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अंडरस्टैंडिंग दिस, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में बीइंग सीए फाइनल स्टूडेंट्स हमें क्या पढ़ना है, ऑडिटिंग के पर्सपेक्टिव से क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। पॉइंट नंबर वन गाइज, इस चैप्टर को ना मैं यूजुअली फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग दो पार्ट्स में डिवाइड करने वाली हूँ। क्या? पहला पार्ट है जो हमें पढ़ना है, दैट इज अकाउंटिंग एस्पेक्ट। जैसे कि मैंने आपको कहा, कंसोलिडेटेड में हम लोग मर्ज करते हैं फाइनेंशियल्स ऑफ सब्सिडरीज, एसोसिएट्स एंड स्टफ, राइट?
सो whenever we talk about मर्जिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसका मतलब ये तो नहीं होता ना कि लाइन बाय लाइन प्लस करके लिखते जाओ. नहीं, प्रेजेंटेशन वैल्यूएशन कैसे किया जाए उसका एक पूरा अकाउंटिंग एस्पेक्ट देखेंगे हम. तो सबसे पहला पार्ट ऑफ दिस चैप्टर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, दैट इज द अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ठीक है, तो अकाउंटिंग में क्या करेंगे, इंड एएस का परस्पेक्टिव पढ़ेंगे, एएस के परस्पेक्टिव पढ़ेंगे, कंपनीज एक्ट सेक्शन नंबर 129 के परस्पेक्टिव पढ़ेंगे, शेड्यूल 3 के डिस्क्लोजर्स की फॉर्मेटिंग देखेंगे. सो ये सब कुछ हम लोग फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर में देखेंगे. Then we will move to the second part of this chapter, that is auditing aspect. ठीक है, तो सबसे पहला था accounting, दूसरा आएगा auditing. Auditing में हम लोगों को क्या पढ़ना है, auditing में ज़्यादातर हम लोग चीज़ें start करेंगे from parent company की क्या responsibility है, auditor की क्या responsibility है, auditor को क्या procedures apply करने हैं, accounting aspect को कैसे evaluate करना है, and finally ये chapter will end by reporting का क्या scenario. ठीक है, so इस chapter को हम लोगों ने दो हिस्सों में बांटा है, that is very good, very rightly said, this is accounting aspects and the other is auditing aspects. तो सबसे पहला accounting aspect को पढ़ लेते हैं, उसके बाद किताब में चल करके read revise कर लेंगे. शुरू करें, पक्का? चल, accounting aspects of consolidated financial statements. अब देखिए guys, accounting aspect में सबसे पहले एक जमाना ऐसा था जहां पे हम accounting AS के हिसाब से करते थे. कैसे करते थे? AS के हिसाब से करते थे. accounting standard number 21 was playing role when it came to preparation, presentation, showing of financial, consolidated financial statements. So AS 21. तो सबसे पहली बात हम लोग कर लेते AS 21 की. समझे गाइस, AS 21 का क्या कहना था और AS 21 आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, समझे. पॉइंट नंबर वन, AS 21 कहता है कि अगर कोई भी पेरेंट कंपनी ने कोई भी सब्सिडरी कंपनी, कोई भी छोटू बेबी लेवल छोटू कंपनी चाइल्ड कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके रखा है तो आपको इसका वैल्यूएशन करना होगा और इट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन द इंटेंशन. इट इज टोटली डिपेंड ऑन द इंटेंशन. अब एक चीज समझ लेते हैं, समझो आप हो ऑडिटर, आप गए हो इस पेरेंट कंपनी में. इस पेरेंट कंपनी में जाने के बाद आपने यहाँ के मैनेजमेंट, ये जो लोग दिख रहे, इनके मैनेजमेंट को कहा कि सर ये जो आपने एस लिमिटेड में होल्डिंग करके रखा है, कितना एस लिमिटेड में होल्डिंग करके रखा है, वो लंबे समय तक चलाने वाले हो या इमीडिएटली बेच देने वाले हो, ये आपने उनको पूछा. इनका इंटेंशन तो था कि वो लॉन्ग टर्म इनको होल्ड करे क्योंकि सब्सिडरी कंपनी में अभी अभी उन्होंने पैसे इन्वेस्ट करना शुरू किया. बट जैसा ही उन्होंने देखा कि सब्सिडरी कंपनी अभी तो बडिंग कंपनी है, अभी तो शुरू हो रही है, उन्होंने कहा नहीं 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 ज़्यादा लंबा तो नहीं, हम तो इसे बेच देने वाले हैं. क्या बोला? हम तो इसे बेच देने वाले. मैंने कहा कि सर 60% ऑफ शेयर ओन करके बैठे हो, आर यू श्योर इसको बेच देने वाला? हाँ हाँ मैम, वो तो क्या मार्केट के फ्लक्चुएशन का बेनिफिट उठाने के लिए हम लोगों ने शेयर्स खरीद लिए इन दिस चाइल्ड लिमिटेड, बट अब हम इसे लंबा नहीं चलाने वाले. किसने कहा? यहाँ के मैनेजमेंट. अब मेरा काम क्या है, आई बीइंग ऑडिटर, हम इस कंपनी के मैनेजमेंट के इंटेंशन के हिसाब से इसका प्रेजेंटेशन देखेंगे. अगर इस कंपनी के मैनेजमेंट का इंटेंशन इज नॉट टू होल्ड द कंट्रोल, then we will not ask them to consolidate financial statements. अगर इनका intention सिर्फ temporary hold करना है तो हम इनको कहेंगे कि sir AS 21 को लागू ना करवाया जाए, rather यहाँ पे presentation होना चाहिए as per AS 13 which is talking about investment accounting. revisory capitulate क्या कहा, हम management के पास जाएंगे, management को पूछेंगे कि sir आपका intention क्या है, ये 60% मतलब any percentage more than 50 इतना percentage आपने hold किया है in some baby company, इस बेबी कंपनी के शेयर्स को आप होल्ड कितना करने वाले हो, लॉन्ग टर्म है, डू यू हैव द इंटेंशन टू होल्ड द कंट्रोल ओवर दैट सब्सिडरी, इफ येस देन यू नीड टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर 21. इफ नॉट, इफ दे से कि नहीं नहीं मैम दिस इज टेम्पररी होल्डिंग, वी विल सेल द शेयर्स, वी विल नॉट होल्ड द कंट्रोल, इफ वी आर नॉट गोइंग टू होल्ड द कंट्रोल वी नीड टू मेक दिस एज AS 13 इन्वेस्टमेंट अकाउंट. इतना समझा? तो मैम टोटली इंटेंशन पे बेस्ड रहिए. हाँ जी, तो मैम ये मैनेजमेंट खिलवाड़ कर सकता है, इनका इंटेंशन हो भी सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट होल्ड करने का, ये लोग ना कह सकते हैं, क्या करें, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं. AS 21 का क्राइटेरिया विद रिस्पेक्ट टू कंसोलिडेशन टोटली इज डिपेंडेंट ऑन इंटेंशन. भले नंबर ऑफ शेयर ज़्यादा हो कम हो, इंटेंशन है टू होल्ड द कंट्रोल कंसोलिडेट, नॉट टू होल्ड द कंट्रोल इन्वेस्टमेंट. डन, पक्का?
सो इसके एक्सेप्शन में क्या है जरा समझते हैं. ये है 50% का कंट्रोल. अब आता है इंटेंशन तो है टू सेल द रिलेशनशिप, तो आपको CFS नहीं बनाने. या फिर अब ये आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखिए गाइस, एंड टू रिड्यूस और द रिलेशनशिप ऑफ द पेरेंट और सब्सिडरी. बेसिकली मैंने पहला एक्सेप्शन क्या बताया, अगर आपका इंटेंशन नहीं है टू होल्ड द कंट्रोल तो आप लोगों को CFS बनाने की जरूरत नहीं है. दूसरा चीज, या फिर पेरेंट और सब्सिडरी कोई ऐसे रिलेशन में है जहाँ पे देर इज अ लॉन्ग टर्म सीवियर रेस्ट्रिक्शन ऑन फंड ट्रांसफर. सब्सिडरी कंपनी अपने पेरेंट कंपनी को फंड ट्रांसफर नहीं कर पाए. अगर ऐसे देखो, रिलेशनशिप ऑफ पेरेंट विद सब्सिडरी एसोसिएट JV ऑपरेट अंडर सीवियर लॉन्ग टर्म रेस्ट्रिक्शंस, फंड रेस्ट्रिक्शंस विच सिग्निफिकेंटली इम्पेयर्स द एबिलिटी टू ट्रांसफर द फंड्स टू द पेरेंट कंपनी. अगर सब्सिडरी कंपनी में मान लीजिए बहुत ज़्यादा पैसा चल रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी भी है, बट ये प्रॉफिटेबिलिटी का बेनिफिट सब्सिडरी कंपनी अपने पेरेंट कंपनी को ना दे पाए, यह दूसरा एक्सेप्शन जहां पे CFS बनाने की जरूरत नहीं है एज पर AS 21. तो मैम, अगर ये CFS नहीं बनाएंगे तो क्या करेंगे, क्या कहा हमने, यहाँ पे आप वैल्यूएशन करोगे एज पर AS 13. एवरीवन अंडरस्टैंडिंग? परफेक्ट, एकदम श्योर. चलो नेक्स्ट आता है AS के बाद इंड AS 110 पे. नाउ अगेन अंडरस्टैंड, एज आई टोल्ड यू गाइज कि मैनेजमेंट इंटेंशन के बेसिस पे, मालाफाइड इंटेंशन के बेसिस पे चीज़ें गुमराह कर सकता है. अब यहाँ पे अगर इंडेस में हम लोग मैनेजमेंट से पूछने गए कि सर क्या आप ये इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हो, अब वो लोग फिर से खिलवाड़ करेंगे, अपने दिमाग में सोचेंगे कि इन्वेस्टमेंट शो करना चाहिए या मुझे लाइन बाई लाइन कंसल्टेशन करना चाहिए. झूठ बोल सकते हैं. इंडेस ने ये टंटा ही खत्म किया. इंडेस क्या बोलता है, इंटेंशन डजेंट मैटर. क्या बोलता है, इंटेंशन डजेंट मैटर. अगर आपका इंटेंशन हो कंट्रोल होल्ड करने का, या आपका इंटेंशन ना हो कंट्रोल होल्ड करने का, कंसोलिडेशन करना ही पड़ेगा. क्या, कंसोलिडेशन करना ही पड़ेगा विदाउट एनी सेकेंड थॉट. अगर आपका कंट्रोल मोर देन 50% है इन एनी अदर कंपनी, इन एनी बेबी लेवल कंपनी, आपको उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मर्ज करने ही पड़ेंगे. इतना समझा? बट या अगर कोई कंपनी का काम ही ये है जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट ही करते हो, जैसे कि बताते हो ये जो कंपनी दिखाई दे रही है, यस दिस कंपनी इज एन इन्वेस्टमेंट कंपनी. मैम मतलब ये कंपनी का काम ही क्या है, कई सारे मासूम शेयर होल्डर्स के पास से पैसा लेना, ऐठना नहीं लेना. जैसे कि ये कंपनी उनके सारे जो शेयर होल्डर्स रहेंगे उनसे पैसा लेंगे, पैसा लेंगे, पैसा लेंगे, ये कंपनी के पास एक बड़ा सा फंड जमा हो जाएगा. ये फंड ये लोग इन्वेस्ट करेंगे इन कंपनीज, इन अलग अलग कंपनीज, कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, कंपनी डी, ये अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कंपनी इन्वेस्ट करता रहेगा. मैम तो इनका मेजर काम क्या है, ट्रेडिंग करना है? नहीं. मैन्युफैक्चर करता है? नहीं. मैम फैक्ट्री चलाता है? नहीं. तो क्या कर रहा है, फंडिंग कर रहा है. मैम कैसे, ये सारा पैसा जो उन्होंने शेयर होल्डर्स के पास से लिया, ये पूरा पूल उन्होंने इन्वेस्ट किया इन सारी अलग अलग कंपनीज. अब ये जैसे कंपनी ग्रो होगी उनके डिविडेंड से, उनके इंटरेस्ट इनकम से, कैपिटल अप्रिसिएशन से ये कंपनी कमाएगा. ऐसी कंपनी को हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट कंपनी. अगर ये इन्वेस्टमेंट कंपनी है और मैं जाकर के यहाँ पे कह दूँ कि सर आपको ना CFS बनाना पड़ेगा, वो मुझे क्या बोलेगा, अरे मैम आज मैं इस कंपनी में 60% होल्ड करके बैठा हूँ, कल मैं उस कंपनी में 60% होल्ड करके बैठूंगा, मैम उसके बाद मैं उस कंपनी में 60% होल्ड करके बैठूंगा, तो क्या हर कंपनी के CFS बनाते बैठूँ, काम कब करूँगा, मैं तो सिर्फ बैलेंस शीट बनाता रह जाऊँगा. अब इन दैट केस इंड AS 110 ने इन्वेस्टमेंट कंपनी को कहा कि जा माफ किया. तो ओनली इन्वेस्टमेंट कंपनी हैज अ रिलैक्सेशन, दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर CFS अंडर इंड AS. मैम अदर कोई भी सिचुएशन हो अदर देन दिस, आपको कोई भी सिचुएशन में एग्जम्पशन नहीं मिलने वाला है, यू हैव टू प्रिपेयर CFS. समझ में आया? पक्का किधर में चले? इंड AS 110. सो AS 110 नो एग्जम्पशन मिलने ही नहीं वाला है फॉर टेम्पररी होल्डिंग्स, कंसोलिडेशन इज मैंडेटरी. बट हाँ अगर इन्वेस्टमेंट कंपनी रहा तो नो CFS. मैम हाउ विल वी अंडरस्टैंड ये इन्वेस्टमेंट कंपनी है कि नहीं है? इन्वेस्टमेंट कंपनी आगे मैंने पढ़ाया है कि क्या होता है इन्वेस्टमेंट कंपनी. चल सो दिस इज दिस. उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 129.
अब तक हम लोगों ने अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूएशंस देखा, अब हम लोग कंपनीज एक्ट के पर्सपेक्टिव भी देख लेते हैं कि शेड्यूल थ्री के रिक्वायरमेंट्स क्या है। सेक्शन नंबर 129 कहता है एवरी होल्डिंग कंपनी विल हैव टू मर्ज देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद द सब्सिडरी द एसोसिएट एंड जेवी जॉइंट वेंचर्स। नाउ इन दैट केस कंसोलिडेशन कब नॉट रिक्वायर्ड है, कंसोलिडेशन कब नॉट रिक्वायर्ड है जहां पे इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी है। मतलब समझाती हूँ, अंडरस्टैंड गाइस, कंपनी ए इज होल्डिंग शेयर्स इन कंपनी बी, कंपनी ए इज होल्डिंग शेयर्स इन कंपनी बी, कंपनी बी इज होल्डिंग शेयर्स इन कंपनी सी, दिस इज अ चेन होल्डिंग। मैम कंपनी ए ने कितना होल्ड कर रखा है, कंपनी ए ने होल्ड कर रखा है 70% इन बी, कंपनी बी ने होल्ड कर रखा है 60% इन सी, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे लॉजिकली देखने जाए तो कंपनी बी इज अ होल्डिंग कंपनी ऑफ कंपनी सी, कंपनी बी इज अ होल्डिंग कंपनी ऑफ कंपनी सी, यस। बट इंटरमीडिएटली अगर ये कंपनी इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी है, क्या है, इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी है, एंड बी की जो अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी है ए अगर ऑलरेडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सीएफएस के हिसाब से बना रहा है, आरओसी में सबमिट कर रहा है, दूसरा बी के सारे शेयर होल्डर्स को हम लोगों ने इत्तला किया है, सुनो 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 गांव वालों, कंपनी बी जो है वो कंसोलिडेशन नहीं करेगी, क्या आपको चलेगा, सारे शेयर होल्डर्स ने हमको कहा है हाँ चल जाए। एंड थर्ड कंडीशन, कंपनी बी इज नॉट अ लिस्टेड एंटिटी, कंपनी बी अगर अनलिस्टेड रहा, अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हुई, कौन सी तीन, पहला अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी सीएफएस बना रहा है, मतलब कंपनी ए सीएफएस बना रहा है, कंपनी बी के सारे शेयर होल्डर्स को हम लोगों ने इन राइटिंग में इन्फॉर्म किया है कि सर हम लोग कंसोलिडेशन नहीं करने वाले हैं, कि आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो बता दीजिए, किसी को ऑब्जेक्शन नहीं, सेकेंड कंडीशन फुलफिल। तीसरी कंडीशन, अगर कंपनी बी अनलिस्टेड है तो चल जाएगा, ये लिस्टिंग के प्रोसेस में नहीं होनी चाहिए। अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो सेक्शन 129 कहता है कि आपको कंसोलिडेशन फाइनेंशियल कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट करने की एज पर शेड्यूल 3 जरूरत नहीं है। एवरीवन अंडरस्टैंड्स इट? तो देखो बच्चों, अकाउंटिंग में मैंने तीन एस्पेक्ट्स पढ़ा है, 21 पढ़ाया उसका एक्सेप्शन जरा ओवरव्यू करवाया, 110 पढ़ाया उसका एक्सेप्शन जरा ओवरव्यू करवाया, 129 के हिसाब से प्रेजेंटेशन बताया उसका एक्सेप्शन ओवरव्यू करवाया। सो दिस वॉज द ओवरव्यू ऑफ अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स ऑफ सी एफ एस, आई होप दैट इज सुपर क्लियर। आगे बढ़े, किताब में चल करके एक बार रीड कर ले, चल। सो दिस वॉज विथ रिगार्ड्स टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन डे एस 129 का पॉइंट पढ़ना था, सी एफ एस बनाना है एज पर शेड्यूल 3 टू कंपनीज एक्ट, कंसोलिडेशन जरूरी है, ऑलवेज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंसोलिडेट होने चाहिए विद सब्सिडरीज, यू नीड टू कंप्लाई विद सम स्पेसिफिक रूल्स ऑफ कंसोलिडेशन, बट हाँ no consolidation is required if at all the condition under 2 are fulfilled. Ma'am, what are the condition? Point number 1, the company is a wholly owned या फिर partially owned subsidiary of some another company. B, मेरे example के लिए, B was wholly owned या partially owned company of A. B was wholly owned या partially owned company of A. ठीक है, satisfied. दूसरा, एंड द शेयर होल्डर्स आर इंटीमेटेड इन राइटिंग, बेसिकली सारे शेयर होल्डर्स को इंटीमेटेड इन राइटिंग किया है कि कोई ऑब्जेक्शन नहीं है ना, देर इज नो ऑब्जेक्शन, अनलिस्टेड कंपनी है, एंड द अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी ए, जो अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी है दैट इज प्रिपेयरिंग सी एफ एस एंड वो आर ओ सी में सबमिट कर रहे हैं। एवरीवन कूल? सो दैट वॉज अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स, यहाँ पे ओवरव्यू खत्म होता है गाइस। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, वो इन्वेस्टमेंट कंपनी का डेफिनेशन भी पढ़ा देती हूँ मैं आपको। हियर यू गो, इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या कंपनी होती है। पॉइंट नंबर 1, इन्वेस्टमेंट कंपनी का मतलब होता है विच ऑब्टेन फंड्स, जैसे मैंने आपको कहा कि हम पब्लिकली फंड्स जमा करते हैं, फ्रॉम वन और मोर इन्वेस्टर्स फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग देम द इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज। हम लोग उनको बोलते हैं कि सर आप हमें इन्वेस्ट करो, हम किसी और कंपनी में इन्वेस्ट करके कमा लेंगे। Commits to its investors that its business purpose is to invest funds solely. मैंने आपको कहा ना वो ट्रेड कर रहा है, ना वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ कर रहा है ट्रेड। ठीक है, सो यहाँ पे दे आर अर्निंग ओनली फ्रॉम कैपिटल अप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट इनकम या फिर बोथ। इसके बाद measures and evaluate performance
सब्सटैंशली ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन फेयर वैल्यू. हम लोग फेयर वैल्यू के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट को वैल्यू करते हैं, क्योंकि हमारा काम ही ये है इन्वेस्टमेंट करना. तो कंपनी के इन्वेस्टमेंट में ज़रा सा भी अंतर हो जाता है, ज़रा सा भी बढ़ोतरी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो जाता है, तो यहाँ पे कंपनी को फेयर वैल्यू के बेसिस पे उसको वैल्यू करना है. नो नीड ऑफ CFS, CFS बनाने की ज़रूरत नहीं है. कब नहीं है? नो नीड फॉर CFS कब नहीं है? इफ सच कंपनी इज एन इन्वेस्टमेंट कंपनी. तो हम लोग बोलते हैं कि अगर इंडियस 110 के तहत इन्वेस्टमेंट कंपनी, से फॉर एग्जाम्पल कोई भी XYZ इन्वेस्टमेंट कंपनी ले लो, ये इन्वेस्टमेंट कंपनी अपना इंक्रीमेंट, जैसे कि इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, एग्जाम्पल लेकर के बताओ. चले सो दिस इज अ कंपनी, लिख रहा है दिस इज इन्वेस्टमेंट कंपनी. मैम इसने क्या करके रखा है? उसने कई सारी छोटे 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 कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके रखा, ठीक है, छोटी छोटी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके रखा है. अब ये इन्वेस्टमेंट कंपनी ने जो छोटी छोटी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके रखा है, क्या करके रखा है, इन्वेस्टमेंट जो करके रखा है इस छोटी छोटी कंपनीज में, इस छोटी छोटी कंपनीज में जो प्रॉफिट हो रहा है ना, मतलब इंक्रीमेंट हो रहा है. जैसे कि मैंने इस छोटी कंपनी में 10 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करके रखा था, अब ये वैल्यू हो चुका है 12 करोड़, तो मेरे को 2 करोड़ का प्रॉफिट हुआ. तो वो लोग कहते हैं अकाउंटिंगली ये पेरेंट कंपनी ये 2 करोड़ रुपया शो कर रहा है एज FVTPL, दैट इज फेयर वैल्यू थ्रू PNL. हम लोग फेयर वैल्यू थ्रू PNL में क्या चीज़ लेकर के जाते हैं, जो है प्रॉफिट फ्रॉम योर ऑपरेशंस. एंड यहाँ पे करंटली फॉर दिस इन्वेस्टमेंट कंपनी इंक्रीमेंट इन द सब्सिडरीज या फिर प्रॉफिटेबिलिटी इन सब्सिडरीज इज योर ऑपरेशन, यहीं से तो कमा रहे हम लोग. तो यही मेजर क्राइटेरिया है FVTPL, ठीक है, एंड मेजर्स ऑल इट्स सब्सिडरीज एट FVTPL, फेयर वैल्यू थ्रू PNL. अ पेरेंट कंपनी शैल डिटरमाइन इट इज अ इन्वेस्टमेंट कंपनी. सो हाउएवर, अब यहाँ पे ध्यान दो, पेरेंट कंपनी ऑफ ऑल द इन्वेस्टमेंट कंपनी. मैम ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया, अब तक के लिए मैंने क्या बताया था, इन्वेस्टमेंट कंपनी बताया, राइट. अब हर पापा का एक पापा होता है जिसे हम दादाजी कहते हैं, राइट. ये छोटी छोटी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किसने करके रखा है, इन्वेस्टमेंट कंपनी. अब ये इन्वेस्टमेंट कंपनी में भी के लिमिटेड ने इन्वेस्टमेंट करके रखा, मतलब के लिमिटेड इज अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी, उसने इन्वेस्टमेंट करके रखा है इस इन्वेस्टमेंट कंपनी में जिसका नाम है आई लिमिटेड. इस आई लिमिटेड ने होल्डिंग करके रखा है इस ABCDE कंपनी. इतना समझो, पक्का श्योर शॉट. अब देखो क्वेश्चन ये उठता है कि क्या के लिमिटेड को CFS बनाना है? अगर हाँ तो कौन से कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जोड़ करके बनाना है, खाली आई लिमिटेड के या फिर ABCDE के मिला करके? सोचो मैम, के कौन है? के इज अ होल्डिंग कंपनी ऑफ आई, आई इज इन्वेस्टमेंट कंपनी एंड आई ने इन्वेस्टमेंट करके रखा है इन ABCDE. बताओ, करना है, ठीक है. सो वो लोग बोलते हैं अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी, जैसे कि होल्डिंग कंपनी ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी है, उस इन्वेस्टमेंट कंपनी को कंसोलिडेशन नहीं करना है, बट उसकी होल्डिंग कंपनी को कंसोलिडेशन करना है, उसकी होल्डिंग कंपनी को कंसोलिडेशन करना है अलॉन्ग विद ऑल द सब सब्सिडरीज, ठीक है. सो यहाँ पे हाउएवर द पेरेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी, मैम कौन था हमारे एग्जाम्पल में पेरेंट? के ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी शैल कंसोलिडेट ऑल द एंटिटी दैट इट कंट्रोल्स. किसको होल्ड कर रहा था? आई, इंक्लूडिंग दोज कंट्रोल्ड थ्रू इन्वेस्टमेंट कंपनी. कौन था ये? ABCDE. एकदम समझ में आया, पक्का? सो यहाँ पे फिर से एक बार ड्रॉ कर लेती हूँ. के ने होल्डिंग किया है आई में, आई कौन है? इन्वेस्टमेंट कंपनी. इस इन्वेस्टमेंट कंपनी ने ABCDE में होल्डिंग किया है, ABCDE में होल्डिंग किया है. क्या के को CFS बनाना है? यस, बनाना है. कौन से कंपनी के फाइनेंशियल्स मर्ज होंगे? आई के एज वेल एज इनके. बट मैम अगर के भी इन्वेस्टमेंट कंपनी निकला तो, जैसे कि के ने आई में इन्वेस्टमेंट किया, के ने एम में इन्वेस्टमेंट किया, आर में इन्वेस्टमेंट किया, वी में इन्वेस्टमेंट किया, एस में इन्वेस्टमेंट किया, ये सभी लोग इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो मॉरल ऑफ द स्टोरी सिर्फ इतना है,
अगर आप इन्वेस्टमेंट कंपनी हो तो CFS नहीं बनाना। अगर के का मुख्य काम ही ये है कि अलग अलग कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो बस आप खुद भी इन्वेस्टमेंट कंपनी माने जाओगे। अगर आप खुद इन्वेस्टमेंट कंपनी हो तो CFS नहीं बनाना। अगर आप सादी कंपनी हो तो इन्वेस्टमेंट बनाना। अंडरस्टैंडिंग। सो कंक्लूजन सिर्फ इतना रखो, अंडरलाइंग स्टेटमेंट स्टेटमेंट्स मॉड्यूल में बहुत घुमा घुमा करके दिए, हम लोग एक वन लाइनर स्टेटमेंट समझ लें। जो भी कंपनी अंडर द क्राइटेरिया ऑफ 110 पैरा नंबर 31-33 इन्वेस्टमेंट कंपनी के क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर लेती है तो आपको CFS नहीं बनाना। आप इन्वेस्टमेंट कंपनी के क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं करते तो आपको CFS बनाने। सिंपल। चलो, ये था अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स। यहाँ पे बच्चों हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, हमारा सबसे पहला पार्ट ऑफ दिस चैप्टर खत्म होता है। अब हम लोग दूसरा पार्ट ऑफ दिस चैप्टर स्टार्ट करें, दैट इज ऑडिटिंग एस्पेक्ट्स ऑफ CFS। तो चलिए शुरू करें। सो द फर्स्ट थिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट कंपनी। देखो गाइस, जब भी हम ऑडिटिंग करते हैं, ऑडिटिंग के लिए द वेरी फर्स्ट नीड इज टू वेरी गुड मैनेजमेंट का प्रिपेरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड ही नहीं है तो आप ऑडिट किस चीज़ का करोगे? सो हम लोग पहले तो कंपनी के मैनेजमेंट मतलब पेरेंट कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को जानेंगे। भैया ये पेरेंट कंपनी की नीड है क्या? सबसे पहले अपने सारे कंपोनेंट्स को जान लें, आइडेंटिफाई कर लें, उनकी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर लें। अगर उनका गैप्स और पेरेंट कंपनी का गैप्स अलग है तो उसे कन्वर्ट कर लें। अगर उनकी अकाउंटिंग पॉलिसीज पेरेंट कंपनी की अकाउंटिंग पॉलिसीज अलग है तो उसे हार्मोनाइज कर लें। ये सब किनका काम होना चाहिए? पेरेंट कंपनी का। तो सबसे पहला मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करते हैं कि पेरेंट कंपनी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट कंपनी, सबसे पहला आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू आइडेंटिफाई कंपोनेंट्स कि भाई साहब आपकी सब्सिडरी के डेफिनेशन में कौन आता है, आपके एसोसिएट के डेफिनेशन में कौन आता है, ब्रांच कौन है, JVs कौन है, ये सब। जहाँ जहाँ आपको लगता है सेगमेंट रिपोर्टिंग करवाना है, जहाँ जहाँ सेगमेंट डिवाइड हो रहे हैं वहाँ पे सेगमेंटल रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट्स को चेक करें। इसके बाद रिलेटेड पार्टीज को आइडेंटिफाई करें। देखिए गाइस, व्हेन देयर इज अ पेरेंट कंपनी देयर इज अ सब्सिडरी कंपनी, ये दोनों के बीच में भी एक रिलेशन है विच इज नोन एज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। तो ये इंटर कंपनी लोन्स को आइडेंटिफाई करें। सेक्शन नंबर, वेरी गुड, 177 की रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, या फिर AS/NDAS के हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई, 188 के हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। दिस इज ऑडिट कमिटी एंड दिस इज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। सो ऐसे सारे रिक्वायरमेंट्स को पेरेंट कंपनी जाने और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट अधेर करें। ऑप्टेन द कंप्लीट एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ऑफ द कंपोनेंट्स, मेकिंग अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट में गाइस दो एडजस्टमेंट्स आते हैं, एक होता है परमानेंट एडजस्टमेंट्स, परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स, एंड दूसरा होता है करंट, मतलब सिर्फ करंट ईयर के लिए कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। तो उस एडजस्टमेंट्स को देखें, हार्मोनाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड गैप कन्वर्जन। दैट अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क दिस एज एन एक्सपेक्टेड एग्जाम क्वेश्चन। इसके बाद आता है मैनेजमेंट ने अपना काम खत्म कर दिया, कंपनी का मैनेजमेंट आया, मैनेजमेंट आकर के बोलता है मैडम हमने पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रेडी कर लिए हैं, आइडेंटिफाई कर लिया है कंपोनेंट्स उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, जो भी हार्मोनाइज करना था, कन्वर्ट करना था, सेगमेंट रिलेटेड पार्टी, एवरीथिंग इज डन एंड दिस इज ऑडिट रिपोर्ट। अब ये जो मैनेजमेंट है जो हमको ऑडिट रिपोर्ट देगा, ये मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट देने के बाद अब जिम्मेदारी स्टार्ट होती है हमारी, दैट इज ऑडिटर्स की। तो सबसे पहली बात, ऑब्जेक्टिव एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर क्या है? ऑब्जेक्टिव इज टू गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, बेसिकली टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ अबाउट कि जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वेदर दे आर गिविंग द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। ऑल्सो गाइज, ऑडिटर क्या करेगा, 143(1) याद है गाइज आपको, 143(1) के एरियाज में वो इंक्वायरी भी होल्ड करेगा। क्या है वो समझते हैं। 143(1) टॉक्स अबाउट, वेरी गुड, यहाँ पे लिखते जाओ, दिखते जाएगा आपको। 143(1) टॉक्स अबाउट इंक्वायरीज, उसमें 6 पॉइंट्स पढ़े थे गाइज हम लोगों ने, 6 कौन से। सबसे पहला हम लोगों ने पढ़ा था ए स्टैंड्स फॉर एडवांसेस के लिए इंक्वायरी करना, बी स्टैंड्स फॉर बुक एंट्रीज के लिए इंक्वायरी करना, C stands for companies not being investment company but have sold security at a value less than cost, उसके बारे में inquiry करना। तो A क्या था, advances, B क्या था, book entries के बारे में inquiry करना, C
फॉर दोज कंपनीज विच आर नॉट एन इन्वेस्टमेंट कंपनी, उसके बारे में इंक्वायरी करना. डी डी टॉक्स अबाउट अगर डिपॉजिट्स कंपनी ने शो करके रखे, एडवांसेस कंपनी ने शो करके रखे एज डिपॉजिट्स. सो डी स्टैंड्स फॉर एडवांसेस शोन एज डिपॉजिट्स, उसके बारे में इंक्वायरी करना. ई व्हाट वाज ई, ई टॉक्स अबाउट पर्सनल एक्सपेंसेस, ई स्टैंड्स फॉर एक्सपेंसेस. सो कंपनी ने कोई पर्सनल एक्सपेंसेस अपने पीएनएल में डेबिट करके तो नहीं रखे, पीएनएल को चार्ज करके तो नहीं रखा. एफ व्हाट इज एफ, एफ स्टैंड्स फॉर ई के बाद आता है एफ, एफ स्टैंड्स फॉर इफ एट ऑल द कंपनी हैज इशूड शेयर्स फॉर कैश, एफ से आता है फॉर कैश. सो इफ द कंपनी हैज इशूड शेयर्स फॉर कैश तो वेदर अप्रोप्रिएट कैश इज रिसीव, वेदर अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग एंट्रीज आर पास्ड, तो इन एरियाज में ऑडिटर को इंक्वायरी करनी होती है. समझ गए कौन से एरियाज, 143(1) में ए से लेकर के एफ तक के क्लॉजेस. चलिए वापस चले. सो यहाँ पे इंक्वायरी होल्ड करना, 143(3) के हिसाब से रिपोर्टिंग करना. व्हाट वाज 143(3) गाइस, हम लोगों ने वहां पे बहुत सारी बातों की चर्चा की थी कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर ऑब्टेन्ड, इन्फॉर्मेशन आर अप्रोप्रिएट, इन्फॉर्मेशन आर सॉर्टेड एंड ऑब्टेन्ड बाय यू, डायरेक्टर्स आर नॉट डिस्क्वालिफाइड, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें थी जिसके बारे में हम लोगों ने उल्लेख करके रखा था. आई विल टेक यू थ्रू दैट जस्ट अ मोमेंट. सो दिस वॉज 143(3) का रिपोर्टिंग करना. तो जैसे हम अदर कंपनीज के लिए 143(3) का रिपोर्टिंग करते हैं, वैसे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए भी हम लोगों को ये रिपोर्टिंग करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज द लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिपोर्टिंग. अब आता है यहाँ पे, इंक्वायरी कर ली, रिपोर्टिंग कर ली. अब वी विल ऑल्सो चेक द रिक्वायरमेंट्स, वैलिडेट द रिक्वायरमेंट्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ CFS, वैलिडेट द रिक्वायरमेंट्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ CFS. तो रिपोर्टिंग करना, इंक्वायरी करना, ट्रू एंड फेयर व्यू है कि नहीं ये जानना. क्लियर? सो व्हाट इज दिस, दिस इज द ऑब्जेक्टिव. अब ऑब्जेक्टिव की बात आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये तो रहा हमको ऐसा करना है, बट वो करेंगे कैसे भाई? हम करेंगे बाय प्लानिंग द अप्रोप्रिएट ऑडिट, बाय अनालाइजिंग द अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलोड बाय पेरेंट कंपनी, बाय रिव्यूइंग द इन्वेस्टमेंट्स. बेसिकली अगर कोई पेरेंट कंपनी ने, कोई होल्डिंग कंपनी ने इन्वेस्टमेंट्स करके रखा है तो आप रिव्यू कीजिए कहीं यहाँ पे कंट्रोल एस्टैब्लिश तो नहीं हो रहा. अगर कंट्रोल एस्टैब्लिश हो रहा है तो कहीं कंसोलिडेशन करने की जरूरत तो नहीं है. फॉलोड बाय द पेरेंट कंपनी. नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, ये आपको खुद को डिसाइड करना है दैट कितने कंपोनेंट्स है. अगर कोई पेरेंट कंपनी के 4 कंपोनेंट्स है, 5 कंपोनेंट्स है, 6 कंपोनेंट्स है, तो ये सारे कंपोनेंट्स के बारे में जानना. टू रिव्यू द वर्किंग पेपर्स, आपको प्रीवियस पीरियड के वर्किंग पेपर्स को रिव्यू करना. सी फॉर एग्जाम्पल, ये है होल्डिंग कंपनी एच लिमिटेड. एच लिमिटेड ने शेयर्स होल्ड करके रखे हैं इन ए लिमिटेड. मैम कब होल्ड किए थे? 2 साल हो गए उसको. मैम कितने शेयर्स होल्ड किए हैं? 60% नियर अबाउट. करंट ईयर में एच लिमिटेड ने होल्डिंग किया है बी लिमिटेड में, सी लिमिटेड में, डी लिमिटेड में. तो आपने जब भी मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांगा, उन्होंने तो कहा कि अरे सर, हम लोगों ने इस साल में 3 सब्सिडरीज में इन्वेस्टमेंट किया है. अब आपकी जिम्मेदारी है सब्सिडरीज, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप प्रीवियस ईयर के वर्किंग पेपर्स को चेक करें, कंपनी के पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करें और उनको बताएं, अच्छा सर BCD तो है ही है, बट ए लिमिटेड का क्या हुआ? वहाँ पर तो आपका 60% का ओनिंग था. हैव यू फॉरगॉन द कंट्रोल, आपने कंट्रोल बेच दिया है. ये कैसे पता चलेगा? By reviewing the working papers of prior period. Everyone understands this. एकदम चोकोला गया. Perfect. So that was reviewing the prior period working paper which are related to subsidiary, associate, JVs, etc. Also, you need to start studying and start relying over the auditor of yes other components. इसका मतलब क्या होता है समझो. सी फॉर एग्जाम्पल, भाई साहब ये जो मिस्टर ए है, ही इज द ऑडिटर ऑफ पेरेंट कंपनी ए लिमिटेड, ही इज द ऑडिटर ऑफ पेरेंट कंपनी ए लिमिटेड. और ये है हमारे भाई साहब बी, कौन है? ही इज द ऑडिटर ऑफ सब्सिडरी बी लिमिटेड. तो ए बी से वार्तालाप करेंगे, अरे भाई साहब बी लिमिटेड में क्या काम चल रहा है? बी लिमिटेड का सब कुछ भला चंगा तो चल रहा है? वॉट इज दिस? दिस इज पेरेंट कंपनी ऑडिटर रिलाइंग ओवर the work performed by other auditor. Who is other auditor? Other auditor is a component of, is a auditor of components. Who is other auditor? He is auditor of components.
समझ में आता है. सो मैम एक मिनट, ये कौन से स्टैंडर्ड के तहत होगा? ये होगा स्टैंडर्ड नंबर 600 के तहत. ये होगा स्टैंडर्ड नंबर 600 के तहत. सो स्टडी एंड रिलाई ऑन द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर्स. अब आता है यहाँ पे ऑडिट कंसिडरेशंस. व्हेन वी टॉक अबाउट ऑडिट कंसिडरेशंस कि हम लोगों को क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है जब भी हम लोग ऑडिट प्रोसीजर्स फ्रेम करेंगे. वेन एवर वी विल बी डिसाइडिंग अपॉन द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, तो आपको ये चीज़ों के बारे में ध्यान रखना. सबसे पहला पॉइंट, द सी एफ एस आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द सेपरेट स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ऑब्वियसली ना गाइज, अगर हम लोग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं दैट आर टोटली बेस्ड ऑन द सेपरेट स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो इसके बेसिस पे द ऑडिटर विल हैव टू डिसाइड अपॉन नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स. ही मे ऑल्सो बी डिपेंडेंट ऑन वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर. ही हैज़ टू डिटरमाइन द लेवल ऑफ मटीरियलिटी. इसका मतलब समझो गाइज, देखिए इसका, अगर कोई सब्सिडरी एक्स वाई जी है, उस एक्स वाई जी सब्सिडरी में कोई मिसस्टेटमेंट पाया भी जाता है, ऑडिटर पेरेंट कंपनी के एंगल से ये चीज़ को सोचेगा कि उस मिसस्टेटमेंट में कितना मटेरियल, मतलब वो मिसस्टेटमेंट कितना मटेरियल है एज कम्पेयर टू द होल ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. क्योंकि सब्सिडरी में मिसस्टेटमेंट होना जायज़ सी बात है कि हो गया चलो ठीक है, बट वेन इट कम्स टू ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्या वो छोटा वाला मिसस्टेटमेंट ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए मटेरियल है, ये डिसाइड करना. एंड जो भी ऑब्जर्वेशन है ऑफ द कंपोनेंट ऑडिटर, सो दीज आर द ऑडिटिंग कंसिडरेशन जो ऑडिटर को एज एन इनपुट यूज करना है फॉर डिसाइडिंग अपॉन द ऑडिट प्रोसीजर्स. नेक्स्ट इज ऑडिटिंग द कंसोलिडेशन. अगेन नाउ वेन एवर द ऑडिटर इज मेकिंग अप द प्लान टू ऑडिट द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ही हैज टू अमॉन्ग्स अदर थिंग ही हैज टू फॉर द फॉलोइंग टेक अप द स्टेप्स. सबसे पहला अंडरस्टैंड करो द ग्रुप स्ट्रक्चर. वॉट इज ग्रुप स्ट्रक्चर? ए लिमिटेड इन्वेस्टमेंट इन बी लिमिटेड, बी लिमिटेड इन्वेस्टिंग इन सी डी ई लिमिटेड, मतलब स्ट्रक्चर क्या है, यू अंडरस्टैंड दैट स्ट्रक्चर. इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट है कि नहीं है, मैनुअल कंट्रोल्स है या नहीं है. अंडरस्टैंडिंग द अकाउंटिंग पॉलिसीज, डिटरमाइनिंग द प्रोग्राम, डिटरमाइनिंग द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट, मतलब दिस इज हाउ यू फ्लो विद द ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. एक्सटेंट ऑफ, यस, द एक्सटेंट ऑफ रिलायंस विच यू कैन प्लेस ओवर द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर एंड कोऑर्डिनेटिंग विद द वर्क. ना ये जो भाई साहब है हमारे ऑडिटर ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मैनेजमेंट ने उनको बोल दिया कि सर ये लीजिए हमारा सारा इन्फॉर्मेशन जितनी भी कंपनीज में हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट करके रखा है. आपको क्या लगता है, ये भाई साहब को आँख बंद करके भरोसा कर लेना चाहिए कि ठीक है यही इन्फॉर्मेशन बराबर है? नहीं. वट ही विल ट्राई डूइंग इज ही विल ट्राई इवेल्युएटिंग कि जो इन्फॉर्मेशन उनको मिला है बाय द मैनेजमेंट, वेदर दैट इज कम्प्लीट एंड एक्यूरेट, whether that is enough in order to make the financial statements accurate. So how will this auditor, ab aaiye jante hain, how will this auditor, very good, check the completeness of the information he has received from the auditor, management. So in order to check the completeness of the information, the auditor shall review, pehla, his own working papers of the previous year, non-components ke working papers, parent company ka procedure, that how parent company is identifying components, investment of parent company as well as the component, identifying new components. Management से inquiry करो कि अच्छा सर और कहीं पर investment करके रखा है क्या, कितने का investment है, how much percentage is that, what is your intention, whether you're going to hold it, joint venture, joint arrangement, other arrangements. Statutory records verify कर लो, जैसे कि registered under section 189, 186, 190. चेंज इन शेयर होल्डिंग पैटर्न, इफ इट ऑल देर आर एनी काइंड ऑफ चेंज इन शेयर होल्डिंग पैटर्न. शेयर जिसने खरीदे थे वो शेयर अगर किसी और को बेच दिए हैं, 50% किसी और के पास थे, किसी और को सेल हो गए, तो वो सारा चीज रिव्यू करना. तो वॉट वॉज द क्वेश्चन? द क्वेश्चन वॉज हाउ विल द ऑडिटर वेरीफाई द कम्प्लीटनेस ऑफ द इन्फॉर्मेशन रिसीव बाई हिम, वेदर द इन्फॉर्मेशन इज एक्यूरेट एंड कम्प्लीट. वेर अ कम्पोनेंट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम कंसॉलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कब कंसॉलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के दायरे से कंपोनेंट हट जाए. सबसे पहला ऑडिटर को एग्जामिन करना होगा कि क्या कारण है, व्हाट आर द रीजंस फॉर एक्सक्लूजन. फॉर एग्जांपल, इट कैन बी अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. पता है मैंने आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए एक्सक्लूजन वाला पॉइंट बताया था, इंटेंशन नहीं है ऐसा कुछ, या फिर सीवियर लॉन्ग टर्म फंड रेस्ट्रिक्शन के दायरे में आ रहे हो. नेक्स्ट इंटरमीडिएट, ये देखो
या फिर कंपनीज एक्ट के हिसाब से अगर हम कहने जाए इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी, इनकी कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही हो, वो तीन कंडीशन मैंने आपको बताई थी, इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी सारे शेयर होल्डर्स मान रहे हैं, अनलिस्टेड है एंड अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी CFS फाइल कर रहा है, तो ऐसे सारे एरियाज में जब भी एक्सक्लूजन हो रहा है तो ऑडिटर को ये भी जानना जरूरी, दिस इज ऑल्सो इन योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट बॉस विच कंपोनेंट्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कंसोलिडेशन क्राइटेरिया. Now we have also, like you know, being an auditor, we have also seen consolidated financial statements. AS के हिसाब से बन सकते हैं, Ind AS के हिसाब से बन सकते हैं. तो यहाँ पे there are few criteria. जैसे कि हम लोग कहते हैं AS में line by line addition होता है of all the line items and CFS subsidiary के लिए हम लोग AS 21 use करते हैं. CFS when we talk about associate हम लोग AS 23 के हिसाब से consolidation करते हैं and for all the joint venture entities हम लोग AS 21 के हिसाब से कंसोलिडेशन करते हैं. सो फॉर एनी ऑडिटर ऑडिटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विच आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ AS, आपको इन AS के बारे में ध्यान देना है. यू हैव टू चेक द कंप्लायंसेस विद दिस AS एंड विल हैव टू मर्ज, हैव टू कंसोलिडेट ऑल द लाइन आइटम्स ऑफ द PNL एज वेल एज बैलेंस शीट. इन दिस यू हैव टू सी कि देखो बच्चों, अगर इंटर बैलेंसेस है, इंट्रा ट्रांजेक्शन है, उसको आपको एलिमिनेट करते जाना होगा. So this is in accordance with accounting standard. Then you talk about Ind AS. Ind AS में भी यही same चीज़ है guys. When we talk about Ind AS, वहाँ पे भी we, yes, controlling, non-controlling asset 103, 110 and Ind AS 28. इसके हिसाब से हम लोग subsidiary, associate and joint venture का consolidation करते हैं. Next is de facto control. Very important, this is de facto control. What is de facto control? De facto control का मतलब होता है who is having without owning the shares but the control on the entity. कुछ ऐसी companies होती है जहाँ पे say for example he is a person जिसका investment ज़्यादा नहीं है, जिनका voting right ज़्यादा नहीं है, but इनके कहे मुताबिक company में पत्ता हिलता है. हम लोग कहते हैं ना बच्चन है, बच्चन ये जो stock market का बच्चन है, कई बार ऐसे persons even if they are not having the maximum voting share, non-voting rights, मतलब voting rights इतने ज़्यादा नहीं है, फिर भी they own the control. So auditor को इन person के transactions के बारे में भी जानना ज़रूरी है. इनको हम लोग बोलते हैं de facto controls. So de facto controls means an investors with less than majority, भाई साहब इतना ज़्यादा voting rights नहीं है, has the practical ability to direct the relevant activity unilaterally, अकेले के दम पे. The auditor shall pay attention to this off-balance sheet entities and which sometimes not qualify for the definition of subsidiary. Basically, ये लोग subsidiary के definition में नहीं आते हैं. But parent might have transferred some risk of the various business to such entities. अब थोड़ा सा differentiation कर लेते हैं guys and थोड़ा सा समझ लेते हैं. When we talk about Ind AS 110 and AS 21, दोनों में ही स्टेप नंबर वन इज टू कैलकुलेट द गुडविल. जब भी कोई पेरेंट कंपनी सब्सिडरी कंपनी में, जब भी कोई पेरेंट कंपनी सब्सिडरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके रखता है, तो व्हाट पेरेंट कंपनी विल थिंक कि मैंने कितना परचेज कंसिडरेशन दिया. अगर पेरेंट कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को इक्विवेलेंट परचेज कंसिडरेशन दिया है जितना उनका नेटवर्क था, तो ठीक है. बट इससे ज़्यादा परचेज कंसिडरेशन दिया तो बॉस दैट एडिशनल अमाउंट विल बी रिगार्डेड एज गुडविल. अब ये जो गुडविल है ना गाइज, उसको आपको एक बार में ही ट्रांजैक्ट करना है. दिस इज परमानेंट एडजस्टमेंट. ऐसे ट्रांजैक्शंस को हम लोग कहते हैं एक बार होना, एक बार रिकॉर्ड करना, फिर खत्म. सेकंड पॉइंट, अगर ये पेरेंट कंपनी ने इस सब्सिडरी कंपनी में 70% के शेयर्स ओन किए, मतलब 30% अभी भी कुछ ऐसे शेयर्स हैं जो बाहर वालों के पास है. इस बाहर वालों को AS 21 में कहा जाता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट और Ind AS में कहा जाता है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट NCI. इन माइनॉरिटी इंटरेस्ट का भी वैल्यूएशन करके हम लोगों को एक बार में जैसे गुडविल कैलकुलेट किया था, वैसी माइनॉरिटी इंटरेस्ट या फिर NCI नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को कैलकुलेट करके वंस पहली बार ही जब भी परचेस कंसिडरेशन जाता है आप अकाउंटिंग कर देते हैं. इसको हम लोग बोलते हैं परमानेंट एडजस्टमेंट. तो मैम इन दोनों में फर्क क्या है AS 21 में और Ind AS 110 में? गाइस दिस इज नॉट देयर गिवन इन योर बुक, बट जस्ट फॉर योर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, AS में हम इसे माइनॉरिटी शेयर्स कहते हैं, Ind AS 110 में नॉन कंट्रोलिंग कहते हैं. इट इज प्रेजेंटेड इन द बैलेंस शीट आफ्टर शेयर होल्डर्स फंड्स, बट यहाँ पे माइनॉरिटी इज अ पार्ट ऑफ इक्विटी, इज अ प्योर पार्ट ऑफ इक्विटी.
दिस इज अ नॉन करंट लायबिलिटी ऐसा शो करते हैं. माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैन नेवर बी नेगेटिव बट मेजॉरिटी, यहाँ पे एनसीआई कहने की कोशिश करें, एनसीआई कैन बी नेगेटिव. व्हाई? बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ इक्विटी. अगर सब्सिडियरी कंपनी में लॉसेस हुआ है तो एनसीआई भी बेयर करेगा. लॉस हुआ है तो एनसीआई भी बेयर करेगा. नो मेथड फॉर इनिशियल कंप्यूटेशन इज मेंशन, बट यहाँ पे इंड एस 110 में दो मेथड्स उन्होंने बता करके रखे, फेयर वैल्यू मेथड एंड नेट असेट्स मेथड. एनी चेंजेस इन लॉस ऑफ कंट्रोल ऑफ पेरेंट कैन चेंज गुडविल, बट यहाँ पे अगर पेरेंट में लॉस ऑफ कंट्रोल की वजह से, मतलब कंट्रोल में लॉसेस होने की वजह से एनसीआई में भी चेंजेस आएगा. सो दिस इज, ये तभी ही अगर आपको समझेगा आपने जब 110 कंप्लीट कर लिया हो. तब तक ज्यादा एफर्ट्स मत लगाना इस पे, जब भी आपने 110 जब तक कंप्लीट ना किया. नेक्स्ट इज रिटर्न रिप्रेजेंटेशन. हम लोग बीइंग ऑडिटर ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वी हैव अ राइट टू ऑब्टेन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट. हम लोग क्या कहते हैं, मैनेजमेंट के पास से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लिखा करके रखते कि भाई साहब रुकिए, स्टार्टिंग में वो जो पेरेंट कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी था वो आपने निभाया है क्या? अगर निभाया है तो जरा लिख करके दे दो ना. तो ऑन वॉट मैटर यू कैन ऑप्टेन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन? यू कैन ऑप्टेन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अबाउट द कंप्लीटनेस ऑफ द कंपोनेंट्स इन्फॉर्मेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिपोर्टेबल सेगमेंट्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेटेड पार्टीज, अप्रोप्रिएटनेस एंड द कंप्लीटनेस ऑफ परमानेंट एंड करंट पीरियड एडजस्टमेंट्स. तो ये सब कुछ के बारे में हम लोग रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले सकते हैं. गॉट इट? पक्का? ठीक है, चल. ऑल्सो गाइज, वेरी इंपॉर्टेंटली, कारो 2020 में देर इज वन क्लॉज, क्लॉज नंबर 21. यू रिमेंबर आई टोल्ड यू अबाउट द क्वालिफिकेशन कंटेंट इन द ग्रुप कंपनीज, सब्सिडरी कंपनीज. तो उसका रिपोर्टिंग याद रखिएगा गाइज. कारो 2020 होली इज नॉट एप्लीकेबल टू CFS, बट एक्सेप्ट फॉर क्लॉज नंबर 21. इसके बाद आ जाते हैं परमानेंट एडजस्टमेंट, करंट एडजस्टमेंट. एज आई टोल्ड यू, परमानेंट एडजस्टमेंट्स में वी हैव टू एडजस्टमेंट, गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व एंड अमाउंट इक्विटेबल टू माइनॉरिटी इंटरेस्ट या नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट. आपको क्या वेरीफाई करना है गाइज, परमानेंट ट्रांजेक्शन्स में यू नीड टू वेरीफाई द कैलकुलेशन, यू नीड टू पे अटेंशन टू द डिटर्मिनेशन ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कब इन्वेस्टमेंट किया. कभी कई बार स्टेप इन्वेस्टमेंट्स होता है, आज 30%, फिर और 10%, फिर और 10%, फिर और 10%. ये जो स्टेप अप ट्रांजेक्शन्स है ना गाइज, उसके बारे में आपको देखना. एंड एनी चेंजेस विच आर बींग मेड ऑन द सब्सिक्वेंट डेट्स, इसको देखना कि सब्सिक्वेंटली डेट पे कोई एक्विजिशन किया तो दैट वॉज स्टेप अप ट्रांजेक्शन. सो दीज आर परमानेंट ट्रांजेक्शन विच आर मेड. अब चलते हैं करंट पीरियड ट्रांजेक्शन की ओर. वॉट आर करंट पीरियड ट्रांजेक्शन गाइज? करंट पीरियड ट्रांजेक्शन का मतलब होता है उसी साल के ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करना. हाउ आर दे वेरीफाई? सो ऑडिटर को कंसॉलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उस साल में जब मर्ज करने हैं, उसके इंट्रा ग्रुप इंटरेस्ट हो गए, इंट्रा ग्रुप कोई फीस रिसीव हुआ है, कोई होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन किया है, कोई डेफर्ड टैक्स है, इंट्रा इनडेटेडनेस है, एक दूसरे के साथ बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल की एंट्रीज है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स है, अनरियलाइज्ड गेन्स है, होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को कोई असेट ट्रांसफ़र किया है, कोई भी ऐसे एडजस्टमेंट्स विच आर मेड फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर ऑफ एडजस्टमेंट्स, दे आर नोन एज करंट एडजस्टमेंट्स. सो ये करंट एडजस्टमेंट्स आपको वेरीफाई करने होंगे इन केस ऑफ गैप कन्वर्जन, हार्मोनाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, एडजस्टमेंट्स ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ इम्पेयरमेंट लॉसेस एंड एनी मूवमेंट इन द इक्विटी एट्रिब्यूटेबल टू माइनॉरिटी इंटरेस्ट. सो दीज आर करंट पीरियड एडजस्टमेंट्स. हाउ टू वेरीफाई दैट? ये करंट पीरियड एडजस्टमेंट है उसी को चेक करना है कि कोई भी करंट पीरियड एडजस्टमेंट्स हो उसको आपको एलिमिनेट करते रहना है. इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शंस, अकाउंट बैलेंसेस एलिमिनेट करो, अकाउंटिंग पॉलिसीज जो है वो सेम है कि नहीं वो चेक कर लो, एडिक्वेट डिस्क्लोजर्स चेक कर लो. एडजस्टमेंट्स हार्मोनाइज होने के लिए अकाउंटिंग पॉलिसीज एज आई टोल्ड यू, गैप एज आई टोल्ड यू सेम होने चाहिए, इसके लिए एडजस्टमेंट किए हैं कि नहीं किए हैं ये वेरीफाई कर लो. इनकम एक्सपेंडिचर माइनस किए हैं कि नहीं ये वेरीफाई कर लो, इंक्लूड होने चाहिए या एक्सक्लूड होने चाहिए उसकी एंट्रीज चेक कर लो. सो दीज आर वेरिफिकेशन प्रोसेस. सो गाइज, यहाँ तक था आपका ऑडिटिंग का रोल. अब हम इस चैप्टर के अंतिम पड़ाव पे पहुँच गए हैं जहाँ पे ऑडिटर को करना है रिपोर्टिंग. तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या कहा? अकाउंटिंग.
दूसरा क्या कहा? ऑडिटिंग. अब तीसरा कह रहा है ऑडिटिंग के बाद फाइनली ऑडिटर विल हैव टू रिपोर्ट. अब ये जो रिपोर्टिंग वाला एरिया है गाइज, इस रिपोर्टिंग वाले एरियाज में आपको 5 अलग अलग प्रकार के सर्कमस्टांसेस हैं. व्हाट आर दे? लेट अस नो. टू थ्री फोर फाइव. सबसे पहला, जब भी पेरेंट कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी के ऑडिटर्स सेम है, मतलब अ सिंगल पर्सन ऑडिटिंग द पेरेंट कंपनी एज वेल एज सब्सिडरी, वेयर पेरेंट कंपनी एंड सब्सिडरी की ऑडिटर सेम नहीं है. तीसरा, when subsidiary company के financial statements itself are not audited, audited ही नहीं. Fourth, जब भी parent company जो accounting policies follow कर रही है, मतलब जो standards के हिसाब से, framework के हिसाब से financial statements बना रही है, वो accounting framework different है दोनों का, parent का as well as subsidiary का. Accounting framework is different. यहां पे भी यही हो रहा है, बट ऑडिटिंग फ्रेमवर्क इज डिफरेंट. ऑडिटिंग फ्रेमवर्क इज डिफरेंट. तो ये 5 अलग अलग सर्कमस्टांसेस है जहां पे इस चैप्टर में, ये लास्ट पड़ाव में आपको रिपोर्टिंग के रिक्वायरमेंट्स देखने हैं. सो रिपोर्टिंग, सिंगल ऑडिटर ऑडिटिंग द पेरेंट एज वेल एज ऑल द कंपोनेंट्स. सो व्हाट यू नीड टू चेक इज द पेरेंट कंपनीज ऑडिटर विल हैव टू रिपोर्ट ओवर द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स फॉलोड इन प्रिपेरेशन फॉर CFS. कोई डिविएशन है तो उसका डिस्क्लोजर करे कि ये ऐसा नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है. ग्रुप कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आर दे गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस? आर द कैश फ्लोज प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? एंड यू नीड टू एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन कैश फ्लोज ऑल्सो. तो ये था पहला सर्कमस्टांस. दूसरा, अगर पेरेंट कंपनी का ऑडिटर कंपोनेंट का ऑडिटर अलग अलग है तो क्या करेंगे? ऐसे 600 का यूज करेंगे. एज आई टोल्ड यू कैन बी रिलाइंग ओवर द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर, तो ऐसे 600 का यूज करेंगे. 706 के तहत आप दूसरे ऑडिटर के रिपोर्ट को रेफर करेंगे, स्पेसिफिकली अदर मैटर पैराग्राफ में. अदर मैटर पैराग्राफ में 706 में द प्रिंसिपल ऑडिटर विल रेफर टू द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर. कंपोनेंट ऑडिटर अगर ऑडिटेड ही नहीं है, अब यहाँ पे बहुत मुद्दे की बात गाइस, अगर कोई इम्पॉर्टेंट सब्सिडरी कंपोनेंट वो ऑडिटेड ही नहीं है, मतलब उसके बारे में आपको सबूत नहीं मिला है. अगर आपको उसके बारे में सबूत नहीं मिला है तो यू कैन ओपनली मॉडिफाई द रिपोर्ट स्टेटिंग दैट यू हैव नॉट ऑब्टेन्ड सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस. ठीक है. सो मैम, कैन वी गिव क्वालिफाइड ओपिनियन? येस, बेस्ड ऑन द परवेसिवनेस ऑफ दैट कंपोनेंट विच इज नॉट ऑडिटेड. You can even give disclaimer of opinion based on the pervasiveness. अगर वो component बहुत ही ज़्यादा pervasive है तो हम लोग बोलेंगे कि बकायदा मुझे कोई ज़्यादा knowledge है नहीं, rather I keep quiet, I will not express my opinion. Fourth point, अगर the component auditor has prepared the financial statements as per the different accounting framework than parent, अगर accounting framework अलग अलग है तो आपको गैप कन्वर्जन देखना है, आपको हार्मोनाइजेशन रिक्वायर्ड है कि नहीं ये देखना है, आपको ये चेक करना है कि फॉरेन कंपोनेंट्स मे प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विच आर बेस्ड ऑन द डिफरेंट एप्लीकेबल, वेरी गुड, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. पेरेंट कंपनी ने इंडियन गैप्स के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए, सब्सिडरी कंपनी ने यूके गैप्स के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए, तो यहाँ पे गैप कन्वर्जन रिक्वायर्ड होगा. लोकल कंपोनेंट्स है जहाँ पे गैप कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है, अनफेमिलियरिटी है गैप्स की, तो वो भी चेक कर लीजिएगा गाइज कि क्या आपको वो फॉरेन गैप्स या जो नॉन लोकल गैप्स है उसके बारे में नॉलेज है, उसके हिसाब से रिपोर्टिंग करना. द प्रिंसिपल ऑडिटर मे डिसाइड टू रिलाई और नॉट ऑन द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन गिवन बाय द कंपोनेंट्स. द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कंपोनेंट्स मस्ट एंश्योर द रेलिवेंस ऑफ द इन्फॉर्मेशन. Principal auditor, very important point, the principal auditor must ensure the relevant disclosures of the accounting policies used by the components. क्योंकि accounting policy is different है ना guys, so we need to verify कि क्या ये मैं check कर पाऊंगी, check करने के बाद क्या मैं इस पर opinion दे पाऊंगी, क्या accounting policies का harmonization और conversion करने की ज़रूरत है. And the last point guys, last point, क्या कहता है? When the component auditor, अब ऑडिटर के बारे में बात हो रही है, व्हेन कंपोनेंट ऑडिटर इज यूजिंग सम डिफरेंट गैस
जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। तो आपको प्रिंसिपल ऑडिटर को ये चेक करना है, कंपोनेंट ऑडिटर जो फॉर्मेट के हिसाब से, जो प्रोसीजर्स के हिसाब से चेकिंग कर रहा है, वो आपके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से पैरेलल है? ऐसा तो नहीं है ना बहुत तुच्छ व्यवहार कर रहा है, ऐसा कभी करेगा तो नहीं, बट स्टिल, इन ऑर्डर टू मेंटेन कंसिस्टेंसी एंड टू अनेबल द पेरेंट ऑडिटर टू रिलाई एंड रेफर टू अनदर ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन CFS, द कंपोनेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड ऑल्सो बी ऑडिटेड इन द सेम फ्रेमवर्क विच करस्पॉन्ड्स टू इंडियन स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ठीक है, सो दीज आर द 5 डिफरेंट फ्रेमवर्क्स जिस हिसाब से आपको रिपोर्टिंग करना है। एंड ध्यान लीजिए गाइस, मटीरियलिटी इज अ कंसेप्ट विच यू नीड टू अप्लाई एंड यू नीड टू ऑब्जर्व ऑन ग्रुप बेसिस। मतलब क्या, यह है पूरा ग्रुप, यहाँ पे है पेरेंट कंपनी, यहाँ पे है बेबी कंपनी 1, बेबी कंपनी 2, बेबी कंपनी 3, बेबी कंपनी 4। अब बेबी कंपनी 2 जो है ना, इसमें कोई मिसस्टेटमेंट पाया गया है। क्या पाया गया है? मिसस्टेटमेंट मैम कितने परसेंटेज का है? 20 लाख का है। और 20 लाख इज अ मटेरियल नंबर फॉर बेबी कंपनी 2, बट व्हेन इट कम्स टू ग्रुप जिनका टर्नओवर ही है 2000 करोड़ रुपए कुल मिला करके, उसमें शायद ये 20 लाख हमारे लिए मटेरियल ना हो। सो जब भी ऑडिटर, प्रिंसिपल ऑडिटर CFS का ऑडिट करे, सो ही हैज टू डिटरमाइन मटेरियलिटी ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप। जब भी हम 600 के बारे में ध्यान दें, रिलाई ओवर द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर, वहाँ पे भी ये ग्रुप का कंसेप्ट आता है। अंडरस्टैंडिंग गाइस, देयर वी कंप्लीट योर चैप्टर ऑफ CFS, ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। चलिए गाइस, आफ्टर कंप्लीटिंग द फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, थोड़ा सा रिकैप्चुलेशन कर लेते हैं गाइस, हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़ करके रखी थी। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग विच वी स्टडीड इन दिस चैप्टर वॉज ओवरव्यू ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग फॉर CFS कैसे किया जाए। फिर सेकेंड थिंग विच वी स्टडीड वॉज ऑडिटिंग कैसे किया जाए, वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट कंपनी देखा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर देखा, कई सारे प्रोसीजरल रिस्पेक्टिव देखे, हम लोगों ने एडजस्टमेंट देखा कि कुछ परमानेंट एडजस्टमेंट होते हैं, कुछ करंट एडजस्टमेंट्स होते हैं। ये सब करने के बाद तीसरा पार्ट लास्टली हम लोगों ने रिपोर्टिंग का देखा, राइट? सो ये होने के बाद अब नाउ लेट अस मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन आंसर्स, दैट इस चैप्टर में से क्वेश्चन आंसर्स कैसे पूछे जाते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन गाइस, सबसे पहला क्वेश्चन राइट हियर फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन सेज, एच लिमिटेड इज एन इन्वेस्टमेंट कंपनी, ओके, प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद इंडियस, इन अकॉर्डेंस विद इंडियस। द कंपनी ऑब्टेन फंड्स फ्रॉम वेरियस इन्वेस्टर्स एंड कमिट्स इट्स परफॉर्मेंस इन फेयर वैल्यू रिटर्न। मतलब ये इन्वेस्टमेंट कंपनी है ऑल इन ऑल, कूल। ड्यूरिंग द ईयर अंडर ऑडिट इट हैज़ ऑब्जर्व दैट द कंपनी हैज़ इन्वेस्टेड 25% इन S1, 50% इन S2, 60% in S3 limited, okay, of the respective share capital. When checking the schedule, the investment schedule of the company, an issue cropped in as to whether there would arise any need to consolidate financial statements. Ab dekho, this consolidation is as per what? Is it as per Ind AS? Kya pooch raha hai? In accordance with section 129. So remember, मैंने जब ये अकाउंटिंग आपको पढ़ाई थी, आई मेड यू ऑल अंडरस्टैंड एक्सेप्शन आर विथ रिगार्ड्स टू 3 थिंग्स। पहला, इंडिया के रिगार्ड्स में एक्सेप्शन इन्वेस्टमेंट कंपनी, AS के रिगार्ड्स में एक्सेप्शन जहाँ पे हम लोग बोलते हैं टेम्पररी होल्डिंग का इंटेंशन या फिर लॉन्ग टर्म फंड रेस्ट्रिक्शन, और तीसरी चीज़ 129 के हिसाब से एक्सेप्शन तभी ही मिलता है जब 3 कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी है, अनलिस्टेड कंपनी है एंड अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी CFS फाइल कर रहा है। फ्रेंकली स्पीकिंग 129 में इन्वेस्टमेंट कंपनी को कोई भी, कहाँ गई इन्वेस्टमेंट कंपनी, हाँ इन्वेस्टमेंट कंपनी को कोई भी एग्जम्पशन नहीं है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि क्या सेक्शन नंबर 129 के हिसाब से हमें CFS बनाने हैं? आंसर इज येस, वेरी वेल बनाने हैं। सो गोइंग फॉरवर्ड हम लोग अगर ये कहने की कोशिश करें, या एज पर 129 हम लोगों को CFS बनाने ही होंगे एंड उसको प्रेजेंट करने होंगे एज पर शेड्यूल 3, बट हाँ ये जो इन्वेस्टमेंट कंपनी का एक्सेप्शन है वो सिर्फ 110 के हिसाब से है, ठीक है। सो यहाँ पे कंक्लूडिंग वी कैन स्टेट दैट कि अगर ऐसा कोई चीज़ें हुआ, अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी सिर्फ उन्हीं को एग्जम्पशन है,
सो इन दिस गिवन केस आपको कंसोलिडेशन करना पड़ेगा, ठीक है? एंड कंसोलिडेशन किन चीज का होगा, किन कंपनीज का होगा? S2 एंड S3 का, ठीक है? क्वेश्चन नंबर टू, आर लिमिटेड ओन्स 51% ऑफ द वोटिंग पावर इन एस लिमिटेड. इट हाउएवर होल्ड्स एंड डिस्क्लोजेस ऑल द शेयर्स इन स्टॉक इन ट्रेड. The shares are exclusively held with a view for the subsequent disposal in the near future. मतलब intention to hold the control नहीं है. This was acting as an exemption for which kind of a framework? AS. ठीक है? Okay. R Limited represents that while preparation of consolidated financial statements, S Limited can be excluded. As a statutory auditor, how will you deal with this? तो हम लोग उनको दो चीज़ें लिख करके आएंगे. सर देखिए, AS 21 के हिसाब से कंसोलिडेशन ना करे तो चलेगा, क्योंकि वहाँ पे द क्राइटेरिया फॉर कंसोलिडेशन डिपेंड्स अपॉन द इंटेंशन टू होल्ड द कंट्रोल. पॉइंट नंबर टू, अगर आप इंडियस फॉलो कर रहे हो, देर इज़ नो एग्जम्पशन फॉर टेम्पररी कंट्रोल. विथ रिस्पेक्ट टू इंडियस आपको कंसोलिडेशन करना अनिवार्य होगा. सो AS 21 के हिसाब से हम लोगों ने इंटेंशन एंड लॉन्ग टर्म फंड रेस्ट्रिक्शंस के बारे में बात की, तो वो लोग AS 13 के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करें. बट इन AS 110 के हिसाब से देर इज नो सच एग्जम्पशन फॉर टेम्पररी कंट्रोल, कंसोलिडेशन करना होगा. ऑल्सो गाइज, एज पर 129 आपको कंसोलिडेशन करना होगा फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. नेक्स्ट, पेरेंट कंपनी अक्वायर्ड 51% ऑफ द शेयर्स इन चाइल्ड लिमिटेड ड्यूरिंग द ईयर 31st of March 2016. During the financial year next year, that is 16-17, 20% of the shares of Chai Limited were sold. Oh, oh, oh. मतलब 2016 year ended, उनके पास 51% of the shares थे. Next year, उन्होंने 20% बेच दिए, मतलब अभी वो 30% के क्राइटेरिया में आ गए. क्वेश्चन ये उठता है, क्या पेरेंट को कंसोलिडेशन करना है? सेम आंसर लिखेंगे गाइज. हम लोग बोलेंगे, भाई साहब पेरेंट लिमिटेड, आप अगर AS फॉलो कर रहे हो तो ये टेम्पररी कंट्रोल है. अगर आप AS फॉलो कर रहे हो तो ये टेम्पररी कंट्रोल है. एंड अगर आप इंड AS फॉलो कर रहे हो तो टेम्पररी कंट्रोल को कोई एग्जम्पशन नहीं है. यहाँ पे CFS बनाना नहीं है, बट यहाँ पे CFS बनाना अनिवार्य है, ठीक है? सेम पॉइंट, सब्सिक्वेंट डिस्पोजल का भी सेम आंसर लिख करके आएंगे. 21-13 टेम्पररी होल्डिंग, इंड AS 10 और 129. कूल, चलो. एंड हाँ, हमेशा ध्यान रखें गाइस, वेन एवर आई मेक यू ऑल सी एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, आप इतना ध्यान रखें कि क्वेश्चन के प्रोविजन को एक्सप्लेन करने के बाद हमेशा द लास्ट लाइन या फिर लास्ट पैराग्राफ शुड बी कंक्लूजन. अगर क्वेश्चन का कंक्लूजन क्लियर नहीं है, एग्जामिनर आपका तुरंत 1 mark डिडक्ट कर सकता है फॉर नॉट राइटिंग अप्रोप्रिएट कंक्लूजन. ये सब प्रवचन करके आ गए, बट करना क्या है? पेरेंट को क्या करना चाहिए, एक्स को क्या करना चाहिए, ये ओपिनियन चाहिए उनको आपसे, ठीक है? सो मेक श्योर, मैं हमेशा क्लास में बच्चों को कहती हूँ कि आपका प्रोविजन लिखना डब्बा भरना होता है, ठीक है? ये डब्बा है, ये डब्बा में आप प्रोविजन भरते हो कि एज पर सो एंड सो, एज पर सो एंड सो. बट इस डब्बे को ढक्कन से बंद करना ज़रूरी है. ये ढक्कन है आपका कंक्लूजन. अगर कंक्लूजन नहीं है तो ये डब्बा कोई काम का नहीं, ठीक है? सो हमेशा ध्यान रखें डायलॉग, डब्बे को बंद करना ना भूले विथ योर कंक्लूजन, ठीक है? चल नेक्स्ट, वेदर द प्रिपरेशन ऑफ CFS इज मैंडेटरी और नॉट, इज इट मैंडेटरी? इफ येस, प्लीज इलेबोरेट द रिक्वायरमेंट्स अंडर स्टैट्यूट. स्टैट्यूट का क्या मतलब होता है? लॉ. लॉ का क्या मतलब होता है? सेक्शन. कौन सा सेक्शन? 129, ठीक है? हम लोग अकॉर्डिंग टू सेक्शन 129, हम लोग 129 के हिसाब से प्रोविजन लिखेंगे कि कहाँ पे एक्सेप्शन मिलना चाहिए, कहाँ पे एक्सेप्शन नहीं मिलना चाहिए. वेदर कंपनी हैज़ वन और मोर सब्सिडरी एसोसिएट JVs इन एडिशन टू SFS, आपको बनाना होगा CFS इन द फॉलोइंग मैनर. फर्दर सेक्शन नंबर 129 स्टेट्स दैट ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ये आपको होल्डिंग कंपनी को बनाने हैं और ऑल्सो ऑडिट करवाने हैं, अप्रूव्ड बाई BOD भी होना चाहिए. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेलियंट फीचर. सेलियंट फीचर का मतलब होता है इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन फॉर्म, बड़े अक्षरों से वहाँ पे हाईलाइट करके रखे, इन फॉर्म AOC 1. ये फाइल करना होता है कंपनी को, AOC 1. क्या होता है? AOC
वन, जोर जोर से बोलो, AOC 1। तो ये आपको फाइल करना होता है। एंड कुछ एक्सेप्शंस भी दिए हैं उन्होंने कि 129 के हिसाब से तीन एक्सेप्शन कंडीशन है, अगर वो फॉलो हो गया तो ठीक है, आपको CFS नहीं बनाना। नेक्स्ट, प्लीज इलेबोरेट द सिचुएशन वेर इन द रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू द प्रिपेरेशन ऑफ CFS डज नॉट एक्सेस मे नॉट अप्लाई एज पर लॉ एज पर स्टैट्यूट। वो तीन कंडीशन लिखेंगे, होली ओन्ड और पार्शली ओन्ड सब्सिडरी, नॉट लिस्टेड, अल्टीमेट इंटरमीडियरी की जो अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी है इज फाइलिंग CFS। नेक्स्ट आता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पेरेंट कंपनी। क्या है ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पेरेंट कंपनी? तो सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पेरेंट कंपनी में क्वेश्चन ही आता है, राइट अ शॉर्ट नोट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ होल्डिंग कंपनी फॉर द प्रिपेरेशन ऑफ CFS। यू रिमेंबर सबसे पहला पॉइंट, पेरेंट कंपनी का क्या काम होता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स के AFRF को जानो, उसकी गैप कन्वर्जन करो, अकाउंटिंग पॉलिसीज हार्मोनाइज करो, सेगमेंट रिपोर्टिंग, रिलेटेड पार्टी रिपोर्टिंग, इसके डिस्क्लोजर्स करो। तो ये 4 से 5 पॉइंट बेसिकली जी तक है, ए से लेकर के जी तक 7 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। सो आइडेंटिफाइंग कंपोनेंट्स, वेयर अप्रोप्रिएट रिपोर्टेबल सेगमेंट्स को आइडेंटिफाई करो, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करो, ऑब्टेन एक्यूरेट एंड द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन विद रिगार्ड्स टू कंपोनेंट्स, मेक एडजस्टमेंट्स, कंपोनेंट एडजस्टमेंट, हार्मोनाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड गैप कन्वर्जन। ये सारा काम किसका है? पेरेंट कंपनी का। अब और एक चीज़ गाइस, अगर कंपनी जैसे कि ये है होल्डिंग कंपनी, यह है उसकी सब्सिडरी एस लिमिटेड, ठीक है, एस लिमिटेड जो है वो डेप्रिसिएशन का अलग मेथड यूज कर रहा है। क्या यूज कर रहा है? डेप्रिसिएशन का अलग मेथड यूज कर रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये होता है कि अगर ये डेप्रिसिएशन का अलग मेथड यूज कर रहा है, हियर यू गो, डेप्रिसिएशन का अलग मेथड यूज करना है, तो जब भी एच लिमिटेड अकाउंटिंग पॉलिसीज को हार्मोनाइज करेगी तभी इसका इफेक्ट देगी। डेप्रिसिएशन की पॉलिसीज को चेंज करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन का जो मेथड है उसको चेंज करना पड़ेगा हार्मोनाइज करने के लिए, हाँ या नहीं सोचो। आंसर इज नहीं गाइस। डेप्रिसिएशन का जो मेथड यूज होता है ना, इट इज़ नॉट एन अकाउंटिंग पॉलिसी, इट इज़ एन एस्टीमेट। बेसिकली मैं एस्टीमेट करती हूँ, से फॉर एग्जाम्पल कोई एक मशीनरी है, ठीक है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में XYZ मशीनरी है, ये मशीनरी कितने साल तक चलने वाली है ये मेरा एस्टीमेट है, दिस इज़ नॉट अ पॉलिसी, दिस इज़ माई एस्टीमेट। मैं मेरे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय को कहूँगी कि बेटा ये मिनिमम 5 साल तो चलाना है आपको, ठीक है, इसको अभी थोड़ा सा, हमारे अमित भाई साहब आप जानते नहीं हो इसे, ये अमित भाई साहब इंस्ट्रूमेंट को ऐसे यूज़ करते हैं, ऐसे यूज़ करते हैं कि जो चीज़ें 5 साल तक चलनी होती है वो आधे साल में बेचारी मरमुरा जाती हैं। अब वो मेरा एस्टिमेशन है कि मशीनरी कितने साल तक चलनी चाहिए, तो डिपेंड्स अपॉन माई एस्टिमेशन कि कितने साल ये मशीनरी चलेगी, उतने साल में मैं उसको डिप्रिशिएट करूंगी, बराबर। तो दिस इज नॉट अ पॉलिसी, दिस इज नॉट अ पॉलिसी, बट दिस इज एस्टिमेशन। सो यहां पे हार्मोनाइजेशन करने की जरूरत नहीं है, एस्टिमेशन एकदम क्लियर है, सुपर हिट चौको लागे गजब। चलो आ जाओ, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द पेरेंट कंपनी फॉर द प्रिपेरेशन, सेम पॉइंट, आइडेंटिफाइंग कंपोनेंट्स। इसको मैंने एक्सपेक्टेड एग्जाम क्वेश्चन मार्क करवाया है गाइज, ये स्टडी मैट में आया हुआ है, प्लस इसको RTP MTP में देखने मिला है, वेरी हाई लेवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपके किताब में, मतलब आपके May 22 में देखने मिल जाए। पेरेंट कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद आता है ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या कहता है? राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब भी हम लोग ऑडिट कर रहे हैं तभी हमारा सबसे पहला क्या काम रहता है? सो यू रिमेंबर हम लोगों ने पढ़ा था टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ कि CFS इज शोइंग द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस आर एज पर AFRF। इंक्वायरीज करना, वो इंक्वायरीज वाले मैटर याद आ रहा है, A से लेकर के F तक 143(3) के हिसाब से रिपोर्टिंग करना, एज वेल एज 143(3) में देर आर एडिशनल रिपोर्टिंग ऑल्सो, सो एडिशनल रिपोर्टिंग करना, और एंड टू वैलिडेट द रिक्वायरमेंट फॉर CFS। अगर हमको लगता है कि CFS आपको बनाने हैं तो बनाने हैं, वैलिडेट करो वो रिक्वायरमेंट्स को कि येस यू आर सपोज टू, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर CFS। नेक्स्ट आता है ऑडिटिंग कंसिडरेशंस। ये क्वेश्चन क्या है समझो,
ए लिमिटेड होल्ड्स ओनरशिप ऑफ 10% ऑफ वोटिंग पावर एंड कंट्रोल ओवर द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ बी लिमिटेड वाइल प्लानिंग द स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ ए लिमिटेड वॉट फैक्टर्स वुड बी कंसिडर्ड बाई यू एज द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ ए लिमिटेड फॉर द ऑडिट ऑफ कंसॉलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड अंडर इंड एएस. बोलता है एज एन ऑडिटर व्हाट आर द कंसिडरेशन. यू रिमेंबर हम लोगों ने ऑडिटिंग कंसिडरेशंस के नाम पे सीएफएस के अंदर पूरा एक कंसेप्ट पढ़ा था. व्हाट आर द ऑडिटिंग कंसिडरेशंस. सो व्हाट आर द पॉइंट्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी कंसिडर. जब भी आप ऑडिटिंग कंसिडरेशन के बारे में बात करते हो या एज एन इनपुट, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको कितना ध्यान रखना है. यू नीड टू टेक केयर कि आपको कौन से अनदर ऑडिटर के काम पे डिपेंडेंट रहना है. कंपोनेंट का कौन सा इन्फॉर्मेशन आपको एक्यूरेट लग रहा है कि नहीं लग रहा है. सो दीज आर द ऑडिटिंग कंसिडरेशंस. सो ये आपको जानना स्ट्रेट पर. स्टार्टिंग में इतना ध्यान रखो, स्टार्टिंग में आपको कंसेप्ट को केस को समझाना है कि इन द गिवन केस किसने कितना परसेंट ऑफ शेयर्स कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट किया है. देन यू टेक आउट योर प्रोविजंस विथ रिगार्ड्स टू रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को चेक करना, क्योंकि 10% है ना. सो अगेन दिस विल बी फॉलिंग अंडर रिलेटेड पार्टी क्राइटेरिया. तो 550 को अप्लाई करना, आइडेंटिफाई द एरियाज जहाँ पे आपको कंसोलिडेशन करना है एज पर इंडिया शेड्यूल 3, सो ऑन एंड सो. क्लियर. नेक्स्ट इज ऑडिटिंग द कंसोलिडेशन. ये पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन जनवरी 21 में देखने मिला था. क्या चल रहा है समझो जरा. जे आर एस लिमिटेड होल्ड्स मेजॉरिटी ओनरशिप ऑफ आर लिमिटेड एंड के लिमिटेड. ओके. एस लिमिटेड इज एन इंटरमीडिएट सब्सिडरी ऑफ जे आर एस लिमिटेड इन सूरत. जे आर एस लिमिटेड प्रेजेंट्स कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ऑडिट पर्पसेस ऑफ MMT एंड कंपनी. purposes to MMT and company. As a statutory auditor, MMT, कौन है एक मिनट रुको. JRS होल्डिंग कंपनी. इसने शेयर जोन कहाँ किए हैं? R और K में. S लिमिटेड कौन है? इंटरमीडिएट सब्सिडरी कंपनी. इसमें मेजॉरिटी है और ये इंटरमीडिएट सब्सिडरी कंपनी और एक है S. इनका ऑडिटर है MMT एंड कंपनी. MMT and company and उसने क्या किया, obtaining a listing of all the components, that all the components are included in the financial statement unless any components has met exclusion criteria. बोलता है कि सारे के सारे component consolidation के criteria में आ रहे हैं. unless अगर आप consolidation के criteria से बाहर हो तो फिर consolidation नहीं करेंगे. सब प्रवचन है, सब प्रवचन. मेन क्वेश्चन क्या है ये. एक्सप्लेन टू reasons विच आर कंसिडर्ड बाई MMT फॉर एक्सक्लूजन ऑफ कंपोनेंट्स. कौन से रीजन होंगे तो हम लोग बताएंगे. अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हो तो दो. कौन से? इंटेंशन, दैट इज टेम्पररी होल्डिंग. दूसरा सीवियर लॉन्ग टर्म फंड रेस्ट्रिक्शन. अगर आप इंड एएस यूज कर रहे हो तो अगर आप इन्वेस्टमेंट कंपनी हो और एक्सेप्शन फॉर 129. तो उन्होंने दो ही क्राइटेरिया पूछे तो इनमें से आप क्राइटेरिया बता दोगे. तो इसमें से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंड एएस के हिसाब से और 129 के हिसाब से. तो उन्होंने दो ही क्राइटेरिया पूछे थे तो अब AS और INDAS के हिसाब से बता दीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. CA Vimal इज अ ऑडिटर ऑफ एक्सीलेंट लिमिटेड अ पेरेंट कंपनी विच प्रेजेंट्स कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. द मैनेजमेंट ऑफ एक्सीलेंट लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड द लिस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स इंक्लूडेड इन CFS. एज एन ऑडिटर ऑफ CFS CA Vimal has to verify that the components have been included in CFS. हुआ क्या है, विमल भाई साहब है वो CFS का ऑडिट कर रहे हैं फॉर एक्सीलेंट लिमिटेड. अब उनको ऐसा लग रहा है कि मैनेजमेंट ने हमको जो इन्फॉर्मेशन दिया आँख बंद करके भरोसा कर लूँ क्या. यू नीड टू वेरीफाई कि जो इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट ने ऑडिटर को दिया है whether that is complete and accurate. कैसा पता करेंगे बच्चों whether the information is complete and accurate or not. हम लोग हमारे वर्किंग पेपर्स देखेंगे, हम लोग मैनेजमेंट से इंक्वायरी करेंगे, पिछले साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करेंगे, पिछले साल का रिटर्न्स चेक करेंगे. तो ये सारा चीज़. तो इन ऑर्डर टू वेरीफाई द कंप्लीटनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन
कंप्लीटनेस ऑफ द इन्फॉर्मेशन सीए विमल को क्या करना चाहिए, पहला खुद के वर्किंग पेपर्स प्रीवियस ईयर के, पेरेंट कंपनी कैसा आइडेंटिफाई करती है कंपोनेंट्स उसको इंक्वायरीज कर लो मैनेजमेंट के साथ, इन्वेस्टमेंट जो पेरेंट कंपनी ने किए हैं या फिर कंपोनेंट से किए हैं, आगे आगे हम लोग कहते हैं चेन होल्डिंग भी हो सकता है, सो इन्वेस्टमेंट रिव्यू, जॉइंट अरेंजमेंट्स रिव्यू, अदर अरेंजमेंट्स कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, एंड स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स चेक कर लीजिए, रिकॉर्ड्स चेक कर लीजिए, जैसे कि रजिस्टर्ड मेंटेन अंडर सेक्शन 189, 186, 190, ठीक है, आइडेंटिफाई वेदर एनी चेंजेस आर देयर, वेदर एनी चेंजेस आर मेड इन द शेयर होल्डर पैटिंग ड्यूरिंग शेयर होल्डर्स पैटिंग ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड. Everyone understands this? Pakka? Sure, sure. So that was question number 11. Chale, ab aage badhte with question number 12. While doing the audit of consolidated financial statements, which current period consolidation adjustments are to be taken into accounts? मतलब क्या है यहाँ पे adjustments के बारे में पूछा है guys. The last very part of the chapter जहाँ पे हम लोगों ने adjustments देखा था, permanent adjustments and current adjustments. As I told you, current adjustments कुछ ऐसे adjustments होते हैं जो उसी साल के लिए होते हैं, जैसे कि intra transactions होना, asset बेचना, stock बेचना, profit को write off करना, profitability अगर introduced है तो उसको cancel करना, managerial fees वगैरह knock off करना, डेफर टैक्स वगैरह, बिल्स पेएबल, बिल्स एक्सचेंज अगर इंटर डेट है तो चेंज करना, डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप है तो उसको नॉक ऑफ कर देना, तो ये सारा चीज़ करंट एडजस्टमेंट्स में आता है. सो इंट्रा ग्रुप इंटरेस्ट पेड रिसीव्ड मैनेजमेंट फीस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट अनरियलाइज्ड इंट्रा ग्रुप प्रॉफिट्स इन टू शेयर्स अक्वायर्ड ट्रांसफर्स फ्रॉम द सब्सिडरीज और ट्रांसफर टू द सब्सिडरीज डेफर टैक्स अनरियलाइज्ड प्रॉफिट उसको एलिमिनेट करना इंटर ग्रुप इनडेटेडनेस harmonization of accounting policies, adjustments to the financial statements, adjustments to the significant transactions अगर कुछ है तो. So ये सारे transactions आते हैं तुम्हारे current period adjustments में. So deferred tax, non-controlling का MI, non-controlling interest का calculations करना, gap conversion करना, ये सारा yes accounting policies. Next आता है आपका current के बाद permanent consolidation adjustments. So what are permanent consolidation adjustments? परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स में आता है दो चीज़ें, सबसे पहला गुडविल या कैपिटल रिजर्व, दूसरा कैलकुलेशन कंप्यूटेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट और एनसीआई नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट. सो इट इज गुडविल और कैपिटल रिजर्व एंड दूसरा है अमाउंट एट्रिब्यूटेबल टू माइनॉरिटी इंटरेस्ट और एनसीआई. एवरीवन अंडरस्टैंड्स दिस, ठीक है. सो यू नीड टू वेरीफाई क्या, सबसे पहला डेट ऑफ एक्विजिशन, दूसरा सब्सिक्वेंट एक्विजिशन स्टेप अप ट्रांजैक्शंस हो सकता है, तीसरा परसेंटेज ऑफ होल्डिंग. सो ये सारा चीज़ आपको देखना है. सो हाउ द कैलकुलेशंस आर मेड, प्री एक्विजिशन रिजर्व्स कैसा है, डेट ऑफ एक्विजिशन कितना है, हाउ दैट प्री एक्विजिशन अर्न लाइक यू नो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट इज डिवाइडेड एज द मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट. सो ये ऑडिटर को वेरीफाई करना, ऑल्सो वेरीफाई द परमानेंट एडजस्टमेंट्स, द परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट, सब्सिक्वेंट एक्विजिशन जो मैंने आपको लास्ट टाइम क्या करके रखा था स्टेप अप ट्रांजैक्शंस, तो उसके हिसाब से कैलकुलेशंस चेक करना. नेक्स्ट रिपोर्टिंग गाइस, नाउ यू रियलाइज यहाँ पे ऑलमोस्ट लाइक वो पांच सिनेरियोज जो हम लोगों ने पढ़ करके रखे थे कि ऑडिटर सेम है, ऑडिटर डिफरेंट है, सब्सिडरी का ऑडिटर है ही नहीं, डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज है एंड डिफरेंट ऑडिटिंग पॉलिसीज है, मतलब डिफरेंट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स है, तो ऐसे पाँच क्राइटेरियाज है. तो वो लोग वही कह रहे हैं, एच कंपनी लिमिटेड is a holding company for two subsidiaries RS, okay, H limited adopts the straight line method for depreciation for its asset, whereas ye dekho aa gayi hamari baat, you remember maine abhi depreciation ke bare mein baat ki, amit ka example liya tha. So bolta hai koi ek subsidiary hai, sorry H limited jo hai wo straight line follow kar raha hai, S limited jo hai wo WDV follow kar raha hai, R limited jo hai wo straight line follow to kar raha hai बट इट इज़ नॉट गिविंग द इफेक्ट ऑफ कंपोनेंट. तो देखो मेथड चेंज होना दिक्कत वाली बात नहीं, बट आर लिमिटेड में दिक्कत है जहाँ पे वो स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर रहा है. हम लोगों ने पहले भी इंड एस 16 में ये पढ़ करके रखा था कंपोनेंट डिप्रिसिएशन होना ज़रूरी है, सो इन रिस्पेक्ट ऑफ हाई वैल्यू असेट्स. सो वाइल कंसोलिडेटिंग दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ आर लिमिटेड एस लिमिटेड विथ एच लिमिटेड डिटरमाइन द पॉसिबल इश्यूज in order to ensure the compliances for the above fact. तो हम लोग बोलेंगे कि देखो भाई
रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट कंपनी में आता है हार्मोनाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड गैप कन्वर्शन. व्हेन इट कम्स टू द करंट प्रस्पेक्टिव केस, एच लिमिटेड केस में डेप्रिसिएशन इज नॉट एन अकाउंटिंग पॉलिसी, सो देर इज नो नीड टू चेंज. भले एस स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहा है या WDV फॉलो कर रहा है या जो भी फॉलो कर रहा है, इट्स ओके. बट हाँ, एक मेजर मुद्दा है इस केस में सिर्फ आर को लेकर के. क्या है वो चीज़? वो चीज़ है जहाँ पे आर लिमिटेड इंड एस को फॉलो नहीं कर रहा है, फिर AS 10 को फॉलो नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे आपको इसको चेंज करना होगा. थस आर लिमिटेड इज नॉट इन कंप्लायंसेस विद इंड एस 16 और AS 10 एज द केस में भी. बाकी सारे केस में कोई दिक्कत नहीं है. यहाँ पर डिफरेंट मेथड बोलते हैं, कंप्यूटेशन का मेथड डिफरेंट हो सकता है बेस्ड ऑन द कंजम्पशन. हम लोगों को गैप कन्वर्जन करना है, अकाउंटिंग पॉलिसीज कन्वर्ट करनी है, एंड एज पर इंड एस 8 डेप्रिसिएशन का मेथड इज एन अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड नॉट एन अकाउंटिंग पॉलिसी. प्लीज हाईलाइट दिस. इट मे बी नोटेड दैट द चेंज इन डेप्रिसिएशन इज एस्टिमेट बट नॉट पॉलिसी. वेरी इंपॉर्टेंट मार्केट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, यू आर अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ नवाब लिमिटेड वावा, अ लिस्टेड कंपनी विच इज़ अ मेन सप्लायर टू द UK बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन मार्केट विद अ टर्नओवर ऑफ ₹2.2 billion. द कंपनी ऑपरेट्स थ्रू 11 बिजनेस यूनिट्स एंड हैज़ नियरली 180 ब्रांचेस अक्रॉस कंट्रीज. एज एन ऑडिटर हाउ विल यू ड्राफ्ट द रिपोर्ट इन द फॉलोइंग केसेस. सेम 5 पॉइंट्स लिख करके रखें. पेरेंट कंपनी का ऑडिटर ऑडिट्स ऑल कंपोनेंट, इज नॉट द ऑडिटर, कंपोनेंट्स आर नॉट ऑडिटेड, या फिर अकाउंटिंग फ्रेमवर्क अलग है, ऑडिटिंग फ्रेमवर्क अलग है, कंपोनेंट्स आर नॉट ऑडिटेड. 5 चीज़ें सेम टू सेम जो हम लोगों ने एंड में पढ़ करके रखी. गाइस कौन सी वाली? या सो दिस, मैंने यहाँ पे आपके लिए चार्ट भी बनाया था, रिमेंबर? यस. मेक श्योर वेन यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन यू ऑलरेडी हैव वॉच्ड द थ्योरी वाला. द प्रैक्टिस करने से पहले द लर्निंग लेसन आपने पढ़ रखा है ना. सो ये रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी. सो दिस आर लर्निंग रिस्पॉन्स. एंड हाँ गाइज, मैं आपको और एक क्वेश्चन बताती हूँ. ये देखो, यहाँ पे एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है बट यहाँ पे सिर्फ 2 चीज़ें पूछे. तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था, पूरे 5 के 5 आपको पूछे नहीं जाएंगे बिकॉज इट इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन, होलसेल क्वेश्चन. इस 5 में से कोई 2, कोई 1 आपको रिटेल क्वेश्चन के नाम पे पूछे जा सकते हैं. तो मेक श्योर यू रीड द क्वेश्चन वेरी अप्रोप्रिएटली कि कौन से सर्कमस्टांसेस में आपको रिपोर्ट देने के लिए कह रहे हैं ये लोग. यहाँ पे पूछ रहे हैं डिफरेंट अकाउंटिंग फ्रेमवर्क एंड ऑडिटिंग फ्रेमवर्क, लास्ट के 2, ठीक है? ओके. हम लोगों ने कहा था विच आर कंसिस्टेंट विद इंडियन फ्रेमवर्क. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 ऑलमोस्ट सेम एज पेरेंट एंड चाइल्ड लिमिटेड. वहाँ पे हम लोग कह रहे हैं एम लिमिटेड अक्वायर्स 51% ऑफ शेयर्स ऑफ एस, सोल्ड 25% ऑफ द शेयर्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर. एम लिमिटेड डिड नॉट प्रिपेयर CFS ऑन द प्ली दैट कंट्रोल वॉज टेम्पररी. मतलब उन्होंने बहुत ऐसा प्ली किया कि नहीं नहीं माफ़ कर दिया जाए जनाब सरकार, कंट्रोल बहुत ही टेम्पररी था. डू यू अग्री विद द व्यू ऑफ एम लिमिटेड? जो एम लिमिटेड बोल रहा है आपको सही लग रहा है? डिसाइड अज्यूमिंग दैट एम लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर CFS अंडर इंड एस. एब्सोल्युटली, सिंस बिगनिंग हम लोग एक ही चीज़ गाते आ रहे हैं कि जैसे मास्क पहनना अनिवार्य है वैसे ही इंड एस 110 के तहत कंसोलिडेशन करना अनिवार्य है. टेम्पररी होल्डिंग जैसा कोई बहाने आप नहीं दे सकते. सो यस, यू हैव टू प्रिपेयर CFS. नेक्स्ट आता है MB Investment Limited is a company having the paid up share capital of ₹1 crore. It has subsidiary investors Fund Management Limited. Major business of MB Investment Limited is to pool funds. Investment company तो यही करेगी, is to pool funds from the investors on the collective basis and ये funds को वो temporarily, ये funds को बोलो दूसरी company में invest करते हैं. While auditing the books of accounts of MB Investment Company, X observed that the whole amount of 10 crore pooled has been invested in the shares and the debentures of various companies
एंड प्रॉफिट अर्नड इज ड्यू टू अप्रिसिएशन ऑफ द प्राइजेस एंड द कैपिटल अप्रिसिएशन बेसिकली. नाउ एक्स मिस्टर एक्स हैज एन इशू वाइल ऑडिटिंग द सी एफ एस वाइल ऑडिटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट सी एफ एस ऑफ एम बी लिमिटेड वेदर सी एफ एस इज रिक्वायर्ड अंडर 129. ये सेम क्वेश्चन जो हम लोग ऊपर करके आए, अगर आपको याद है हम लोगों ने बोला था कि एक्सेप्शन फॉर इन्वेस्टमेंट कंपनी इज फॉर 110. 129 के हिसाब से, स्टैट्यूट के हिसाब से तो आपको कंसोलिडेशन करना ही पड़ेगा. गिव योर ओपिनियन, येस करना ही पड़ेगा, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है. 129 में एक्सेप्शन कब आएगा? जब ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होती है, होल्ली ओन सब्सिडरी, लिस्टेड नॉट लिस्टेड एंड इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी की जो अल्टीमेट कंपनी है, दैट इज फाइलिंग सी एफ एस विथ रजिस्ट्रार एज पर एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. नेक्स्ट, ये पॉइंट भी क्वेश्चन नंबर 18 एकदम ही एग्जैक्टली सेम. What are the procedures which you will follow in order to verify the completeness of the information? ये ऑलरेडी आ चुका हुआ क्वेश्चन. वर्किंग पेपर्स, पेरेंट कंपनी का आइडेंटिफिकेशन, मैनेजमेंट से इंक्वायरी, इन्वेस्टमेंट ऑफ पेरेंट एज वेल एज कंपोनेंट, रिव्यू द जॉइंट वेंचर्स, जॉइंट अरेंजमेंट्स, अदर अरेंजमेंट्स एंड स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स. डन. So, yahan pe guys, there is a happy ending of this practice session. I hope you all enjoyed and now you are very much confident about this chapter. Theek hai? So, yahan pe is chapter ki samapti ki ghoshna karte hain. You all keep studying, keep revising, be safe, take care, bye-bye.